चलो चलो जल्दी चलो, घर के सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सत्संग वचनों को गौर ख्याल करके सुनोगे तो आपकी समझ में आएगा कि सत्संग का मतलब क्या है। सत्संग वचनों का मूल आशय अर्थ क्या है, और जब सुनोगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सत्संग ही जीवों को जगाता है, सत्संग सही शास्त्र रास्ते पर ला के खड़ा करता है, और सत्संग अच्छे बुरे पापों की पहचान कराता। इसलिए कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने सत्संग ही जारी किया, क्योंकि अन्य युगों में ये नहीं था। केवल शरीर इंद्रियों के लिए सुकर्म का इशारा किया, लेकिन जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं कहा। यही हमें आपको तो सोचना चाहिए कि कलयुग के हम सब जीवों के लिए महापुरुषों ने कितनी दया किया, इस समय से आकर हम सबको जगा दिया और जीवात्मा के लिए रास्ता, युक्ति और उपाय भी दे दिया, जिसे हम अब लोग नामदान कहते। अन्य युगों में मंत्र, गुरुमंत्र और दीक्षा, कलयुग में सीधा नामदान, सीधा नामदान रखा हूं, क्योंकि अन्य युगों में जो शिक्षा दीक्षा देते थे उसके बदले दक्षिणा देते थे, लेकिन कलयुग में भी शंका खत्म की कि नामदान जो नाम जगाएगा, सिद्ध करेगा, वो दान के रूप में, खैरात के रूप में बख्शीश करेगा, उसके बदले में कुछ नहीं लेगा, क्योंकि इस नाम की कीमत अमोलक है, इसकी कोई कीमत चुका नहीं सकता। दुनिया की सारी दौलत, सामान, ये सब आप चढ़ा दीजिए, नामदान की कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। इसलिए संत महापुरुषों ने इसको अमोलक ढंग का, इसका कोई मूल्य नहीं और ना ही कोई मूल्य चुका सकता। तो हमें आपको सोचना चाहिए कि हम सब जीवों पर कितनी दया हुई, हम सबको नाम का सहारा दे दिया और इसी नाम सारे को पकड़ कर जीवात्मा नीचे उतारी गई थी। सत्यलोक मंडल से एक बार जीवात्माओं के अंदर ऐसी मोच इच्छा उठी उनको भी कि नीचे के लोगों में क्या हो रहा है देखने के लिए, ऐसी इच्छा उठी। तो यद्यप अगर मालिक की प्रेरणा से तो इच्छा भी नहीं उठ सकती, उन्हीं की मौज मर्जी से उनको नीचे का लोगों का इतिहास बनाना था और जीवात्मा को मृत्युलोक से सत्यलोक का अनुभव कराना था। इन दोनों कामों के लिए उन्होंने मौज फरमाई और ऐसी प्रेरणा, ऐसी जिज्ञासा, मतलब यानी उसके अंदर ऐसी फुरना पैदा करती, बार बार कह रही, मालिक एक बार दया कृपा मेहरबानी कर दीजिए, हम हमको नीचे लोगों में उतार दीजिए। बड़ी इच्छा देखने की,
अध्यक्ष पुरुष ने बहुतेरा समझाया कि देख नीचे सबसे गंदा खराब लोग है, वो काल माया का है, वो अपने पापुन कर्मों की मिलौनी रचना में तुम सब जीवात्माओं को फंसा लेगा, फिर तुम वापिस आ नहीं सकोगे। एक बात करना कि ये नाम डोर मत छोड़ना, यही नामदान, यही आधार है, इसी नाम डोर सत्य डोर को पकड़ा कर सारी सुतरुओं को मृत्यु मंडल में उतारा गया, ऐसे एक बार भी नहीं फेंक दिया। जब सत्यलोक से हम सब जीवात्माओं को सत्पुरुष ने नीचे उतारा तो सत्यलोक के नीचे है सूक्ष्म लोक, कारण लोक, कारण लोक है वो पांच तत्वों का, सब स्पर्श रूप रसगन का ये पांच तत्वों का कपड़ा पहना दिया, क्योंकि नंगा तो भेजा नहीं जाएगा और जीवात्मा बगैर खोल कवर के रह भी नहीं सकते। तो सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को जब सत्यलोक के नीचे उतारा तो सत्यलोक के नीचे कारण लोग हैं जो पांच तत्वों का, सब स्पर्श रूप रसगन, तो ये पांच तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को कारण लोग के नीचे उतारा तो कारण लोग के नीचे सूक्ष्म लोग हैं जो नौ तत्वों का, सब स्पर्श रूप रसगन चतुसंताकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, यानी ये नौ तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को सूक्ष्म लोक के नीचे उतारा, सूक्ष्म लोक के नीचे लिंग लोक, इसी को देवलोक कहते, जब लिंग लोक में उतारा तो ये सत्रह तत्वों का, दस इंद्रियां चतुसंताकरण सत्वगुण तमोगुण रजोगुण का यह सत्रह तत्वों का कपड़ा पहना दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे उतारा, लिंग लोक के नीचे ये मृतलोक है जिसको संतों ने स्थूल लोक कहा, जब स्थूल लोक में हम सब जीवात्माओं को उतारा गया तो स्थूल कपड़ा पहना दिया, ये पांच तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये पांच तत्वों का कपड़ा पहना दिया। अब जीवात्माओं पर कितने कपड़े, कितने खोल कवर हो गए, कहते चार, पहला है कारण, दूसरा है सूक्ष्म, तीसरा है लिंग और चौथा स्थूल। जो इन चार कपड़ों को उतारना जानता है और जीवात्माओं को पाक साम निर्मल परित करके खड़ा करेगा वो नामदान देगा, ये है नामदान देने वाला। हम आप ये भी नहीं जानते हो कि नामदान देने वाला कौन, सुनाने वाला कौन, किसको अधिकार है नामदान देने का। कहा जो इन चार यानी कपड़ों और कवरों से जीवात्मा को अलग करना जानता वो नामदान देता है, ऐसे थोड़ी नामदान, ऐसे नामदान नहीं कोई दे सकता। इसीलिए तो कहा है कि नामदान सुना सकता लेकिन दे नहीं सकता, और सुनाने वाला को दे नहीं सकता, तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपको तो नामदान देने वाला चाहिए, देने का मतलब जिसने नाम को जगाया, नाम को सिद्ध किया है वही नामदान दे सकता है। जगाए हुए नाम से जीवात्मा जगेगी, सुनाए नाम से नहीं जगती। तो ये सब राज, सारा राज सत्संग के माध्यम से खोला गया, हमने अपने बच्चों को सुना लेकिन पकड़ा नहीं तो हम सब भ्रमित हो गए। ऐसे तो कोई भी जो गुरु के पास गया है, 10 साल का बच्चा, उसने अगर नाम ना सुना तो भी तो सुना देगा, लेकिन क्या उस सुनाने वाला कुछ दे सकता, कोई लाभ दे सकता, कोई तुम्हारी जीवात्माओं को जगा सकता है, ये सब समझदारी, इसी का नाम तो सत्संग है। और तुमने सत्संग को भी समझा नहीं है, तुम कथा वार्ता सुनते रहे हो, हमने आपको कथा वार्ता सुनाई गई, ये तो बताया नहीं गया कि नामदान क्या है, नामदान देने वाला कौन है, ये नाम कौन सा नाम, हर युग का समय का जगाया नाम अलग होता। जब सतयुग था तो योगियों ने हरि नाम जगाया, तो उस नाम का प्रचार हुआ, और जो नाम जिस लोक मंडल मुकाम से आता है
और उस नाम का जब स्मरण स्मरण करो वो नाम उसी लोक तक पहुंचा सकता, ये नाम की महिमा है। लेकिन हमारी आपकी जीवात्मा तो सत्यलोक निवासी, जब तक सत्यलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम से कोई समरथ सदगुरु महापुरुष नहीं आएंगे तो ये जीवात्मा नहीं जगा सकता। तो ये सब समझना चाहिए। जब धीरे धीरे सत्संग में आओगे और सुनोगे समझोगे और मतलब यानी जीवन में जब उतारोगे तो तुमको सब जानकारी हो जाए, फिर आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। लेकिन अगर किया नहीं और उसका कोई लाभ नहीं मिला तो फिर कोई भ्रमित कर सकता? ऐसे तो कोई सुनाने लगेगा, उसके पास चले जाओ, फिर तीसरा कोई सुनाने लगे, वहां चले जाओगे, ऐसे पूरा जीवन निकल जाएगा और लाभ हमें आपको नहीं मिले। इसलिए ये जानकारी करनी कि आत्मा को लाभ देने वाला है कौन, आत्मा को जगाने वाला कौन, किसको अधिकार है और किस आधार और मतलब यानी से जीवात्मा जगेगी। ये कहते हैं शिव, कहते हैं सत्संग। तो एक एक वचन को बड़ी सावधानी, जैसे आवाज लगी फौरन दौड़ के आओ, पता नहीं कौन सा वचन निकल जाए, और वचन निकल जाएगा फिर आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ कोई पोथी तो पढ़ी नहीं जाती, कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, ये तो जो ऊपर से महापुरुषों की दया से जो धारा आती है उसी धारा से मतलब यानी हमें आपको जोड़ देते हैं। फिर जब धारा से जुड़ जाओगे तो बिल्कुल सीधा संबंध होता, फिर कोई भ्रम नहीं रहता। लेकिन धारा से जुड़ना इतना आसान नहीं, जब तक आत्मनिर्भर और जब समर्पित भाव अपने मालिक सदगुरु से होगा तब ये दया मिलने का अधिकारी होता, ऐसे थोड़ी हो जाता। इसीलिए तो कहा था कि मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या तो करोड़ों होगी, लेकिन देने वाले कोई 1500 और लेकर रखने वाले कोई 200-400, और रखकर उस पर निरंतर लगन के साथ विश्वास के साथ चलकर पहुंचने वालों की संख्या तो बहुत कम होगी। तो ये सब हमें सुनना चाहिए। जब सुनोगे और सुन करके गुणन मनन करोगे और फिर धीरे धीरे एक एक वचन को अपना आधार बना करके जब हम चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। समृद्ध दत्ता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस निमसरण की तपोभूमि पर प्रातःकालीन नव सत्संग में सम्मिलित होने वाले सभी गुरासिक प्रेमीजनों, ये बड़े सौभाग्य के दिन होते जब ऐसी घड़ी हमें आपको अपने जीवन में वर्तमान मौजूदा संसद गुरु के वचन सुनने का अवसर, फिर उनकी दया हो जाए और मतलब यानी नाम का आधार दे दी, नाम का आधार पकड़कर हम सच्चाई विश्वास के साथ उसकी कमाई करें तब तो काम हो सकता है, ऐसे काम होने वाला है। इसलिए संत महापुरुष जब जब मृत्युलोक मंडल पर आए उन्होंने सिर्फ अपनी जीवात्मा सुरत रूप को ही जगाने की बात, काल माया देश की कोई धन दौलत मान सम्मान राजपाट ये पाने की इच्छा नहीं, उन्होंने केवल जीवात्मा को जगाने का काम, और क्योंकि जीवात्मा ही शुरू नहीं की, अब जिनकी है उनको चिंता है, पड़ोसी पड़ोसियों को चिंता थोड़ी होती। इसीलिए जीवात्मा न ब्रह्मा जी की, न विष्णु की, न शंकर जी की है, न रामकृष्ण की है, न मतलब यानी हनुमान की, और ना ही कोई देवी देवताओं की, जीवात्मा तो मालिक की। जब मालिक स्वतः मृत्युलोक मंडल पर आ गया
तो फिर हमें शंका संदेह करने की क्या जरूरत। अब उनको हम लोग पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारी पहचान ओछी है, पीकी है, अधूरी है, क्योंकि हम सब शरीर इंद्रियों तक सीमित रहे और जो भी अभी तक आया शरीर इंद्रियों तक हमें आपको लगा के रखा। जीवात्मा के बारे में तो जानकारी मिली ही नहीं, जब जानकारी नहीं मिली तो कैसे समझ पाते। इसलिए जब जब संत जगत में आवे खोज भाग उनके ठीक जाओ, आज ही रहो कि वो चरणों में करो बंदगी निष्ठा। जब इतना करेंगे तो उनकी दया हो जाएगी, जब दया हो जाएगी तभी कुछ समझ में आएगा, उसके पहले समझ में कुछ नहीं आ सकता। तो हम सबको बड़े गौर ख्याल से एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनना चाहिए। सुनोगे गुनोगे धुनोगे तब सच्चाई पर पहुंच जाओगे कि वचनों का मतलब क्या है, वचन किस लिए फरमाए गए और हमारे लिए अनिवार्य क्यों कहे गए। जब ये सब जानकारी हो जाएगी तब तो कुछ हो सकता कि ये काम हमारा आपका हो जाए। इसलिए जब आए तो उन्होंने रास्ता खोला है। अगर हम ऐसे कहते रहे तो आपको पता नहीं मनगढ़ंत बात करते हो, अपने मन से कोई बना चुना के कहे तो जरा महापुरुषों के दो बच्चों को सुनो, उससे आपको शंका संदेह खोल पर सब आपके खत्म हो जाएंगे। तो जब आए तो उन्होंने सीधा अपनी जीवात्माओं के लिए वचन उच्चारण किया। क्या कहा, कोजेरी पिया को निजे घट में, कोजेरी पिया को निजे घट में, कोजेरी पिया को निजे घट में, कोजेरी पिया को निजे घट में। ए जीवात्मा सुरत्रु, तू बड़े सच्चे पिया प्रीतम मालिक को अपने अंदर, वो बाहर में कहीं नहीं, बाहर में तो ये काल माया का देश या उसी का सामान है और उसी ने अपने ये कर्मों का जाल बना के फंसाने का काम किया। लेकिन अगर तू अपने सच्चे पिया प्रीतम मालिक से मिलना चाहती है तो अपने अंदर क्या करें कि जो तुम प्रिया से मिलना चाहो, जो तुम प्रिया से मिलना चाहो, जो तुम प्रिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, तो भटको मत जग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। कितने प्यार प्यार से समझा के कह, ए जीवात्मा सुरत्रो, अगर तू अपने सच्चे पिया प्रीतम मालिक से मिलना चाहती है तो ये बाहर मत भटक, बाहर भटक और अटक, ये काल माया की बनाई फंसाने भटकाने की रचना है, वो बाहर में नहीं मिलेगा, उसका रास्ता तो अंदर में, जहां से तू बैठी है वहीं का कोई जानकार नाम भेदी शब्द भेदी कोई संसद गुरु मिल जाएंगे तो तुझे ये रास्ता बता देंगे नाम का। आगे क्या कह रहे, क्योंकि काल ने तो यहां तमाम तरह की भटक अटक और ये खटक पैदा कर रखी, कैसे कैसे अटकाने के क्या क्या साधन बनाए, कि तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ व्रत कर्म आचारा, तीरथ व्रत कर्म आचारा, ये अटका में मग में, ये अटका में
कोधेरी पिया को निजी घट में कोजरी पिया को निज घट में का पत्थर कागज पानी इसी में सब कोट का जड़ में जीवात्मा तू तो चेतन है और ये काल ने जड़ व्यवस्था बनाई उसी जड़ में सबको अटका दिया कहा ये सारा रास्ता इसने रोक रखा किसने कि ये जीवात्मा निकल न पाए अगर निकल जाएंगी सारी सुरते रुए तो मेरा देश खाली हो जाए तो मैं राज हुकूमत किस पर करूं देखो अपने लिए उसने ये जाल बनाया था आगे क्या कहे कि अब तुम्हारा उद्धार कल्याण कौन करेगा पहले चढ़ कहीं पत्थर कागज पानी से तुझे निकालेगा कौन बचाएगा कौन कि जब लग सतगुरु मिले ना पूरे जब लग सतगुरु मिले ना पूरे पड़े रहोगे अघ में पड़े रहोगे अघ में कोजरी पिया को निज घट में कोजरी पिया को निज घट में कहते ही चढ़ता की ममता से कौन निकालेगा जब तक सदगुरु पूरा नहीं मिलेगा पूरा कौन है दूरा कौन होता शब्द कमाई में जो पूरा उन सदगुरु के चरणों की बन जाता था जिसने शब्द की कमाई की इसीलिए तो कहा यहां कोई सदगुरु नहीं बन सकता क्योंकि यहां तो नाम की कमाई करने वाले सब उसी में लगे हैं लेकिन नाम की कमाई नाम कमाई जो में जो पूरा उन सदगुरु के चरणों की बन जाता था जिसने नाम की कमाई की है उनके चरणों की धूल बन जाए जब धूल बन जाए यानी उन्हीं में लवलीन लवलीन हो जाए तब ये तेरा काम होगा ऐसे तो जब ऋषि मुनि नहीं निकल पाए योगी महर्षि और तारी शक्तियां नहीं निकल पाए मतलब यानी ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी कोई नहीं निकल पाया तो हम सब कलयुग के गंदे कमजोर जीव कैसे निकलेंगे हम सब कलयुग के कमजोर जीवों के लिए सदगुरु तैयार पधारे लेकिन हमने उनको जाना माना पहचाना पूछ तो आप भूल भ्रम शंका में फंसे रहे तो क्या कह रहे हैं समझा कि जब लग सतगुरु पूरा नहीं मिलेगा जो मृत लोक से सत्यलोक तक अलग अगम आराम तक पूरी जानकारी रखता उसको पूरा कर और मृत लोक में फंसी जीवात्माओं को निकाल कर इनको सब मंडलों से यानी दिखाएगा घुमाता अगर पहुंचाएगा उसको पूरा सदगुरु कहते यही तो पहचान हमें आपको रखनी चाहिए फिर कोई आपको भूल भ्रम में फंसा नहीं सकता क्या कह रहे हैं आगे कि भाई जब सदगुरु पूरे मिलेंगे तो आपको क्या देंगे कौन सी युक्ति देंगे कौन सा उपाय बताएंगे सब बताएंगे एक एक चीज कि नाम सुधारस कभी ना पाओ नाम सुधारस कभी ना पाओ भरमो योगी खग में भर वो योनि खग में खोजरी पिया को निज घट में खोजरी पिया को निज घट में आज जब सच्चा पूरा सदगुरु मिलेगा तो नाम उसी नाम से तो अमृत छूता जो हम सब की बात को सुतुरुओं का भोजन है शब्द अमीरस पिए निरंतर शब्द हारी सुरत देखिए पहले
कि जो सत का हर करने वाली इसी सत को महापुरुषों ने अमृत कहा। ये अमृत है जो निरंतर चुता है, उस शब्द से नाम से अमृत चुता है और वही अमृत जीवात्मा का भोजन है। तो वो कितनी बड़ी बात, क्या कह रहे हैं कि जब वो पूरा सतगुरु मिलेगा तो नाम सुधार, जो नाम से अमृत चुरा है वो उसको पीने को मिलेगा, तो ये बलवती हो जाए, बलवान शक्तिशाली हो जाए, तब अपने घर की तरफ मुखाते, क्योंकि जब से आई है बिल्कुल व्रत कर रही उपवास, क्योंकि यहां तो कोई सामान उसके लायक है नहीं। काल माया के किसी सामान का प्रयोग नहीं करती जीवात्मा, कोई भोग नहीं भोगती किसी तरह का, कोई भी साधन यहाँ का प्रयोग नहीं करती, क्योंकि वो तो उधर की है, इधर आई लेकिन इधर कोई है ही नहीं कुछ उसके लिए, तो कुछ नहीं। आगे क्या कह रहे हैं समझा के देखिए, एक एक वचन को कैसा समझा के कह रहे हैं, और तुमको किसने फंसाया, सबका नाम भेद खोलेंगे तभी तो हम आप निकल पाएंगे दर्शन। क्या कह रहे हैं कि पंडित काजी भेख से खुशबो, पंडित काजी भेख से खुशबो, अटक रहे हैं डगर डगर में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में। कहते पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी ग्रंथी पादरी का ये सब अटके पड़े, जिनसे हम उम्मीद करते हो, जो हमको सुनाते हैं केवल, कहा ये तो सब अटके पड़े, सुनाने वाला अटका ही, जब तक करने कराने वाला नहीं मिलेगा तब तक ये अटक और भटक, ये खटक मिटने वाली नहीं है। देखो कैसा समझा के कह रहे हैं कि तुमको यहाँ किसने ने अटकाया भरमाया, और अभी तुमने के चक्कर में, तो ये अटक भटक तुम्हारी खत्म नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं कि पंडित काजी भेक भेक सब, ये जितने दाढ़ी बाल काला लाल पीला ये भेष बनाने वाले पंडा और पुजारी और ग्रंथी और पादरी का ये सब अटके हैं, सब अटके, इसमें से कोई निकलने वाला नहीं है। और कह रहे हैं आगे क्या कि इनके जब इनके साथ रहोगे तो इनके संग रहने में अपना मालिक पिया प्रीतम सच्चा वो नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं कि इनके संग पिया नहीं मिलना, के संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले कऊ साध समग में, पिया मिले कऊ साध समग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट। ये पंडा पुजारी ग्रंथी पादरी इनके साथ रहने में तुमको वो मारी में, क्योंकि इन्होंने देखा नहीं है, इन्होंने पाया नहीं है, ये केवल पढ़ के केवल सुनाने बताने वाले। कहा इसके संग में रहने से पिया प्रीतम नहीं मिलेगा, इनका भी साथ छोड़ना है, ये भी कुछ नहीं दिया जाए। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं दे पाए, रामकृष्ण नहीं दे, और मतलब यानी देवी देवता है कुछ, तो फिर ये कहां दे देगी। जिसने मालिक को पाया है और वही हमें आपको मिला सकता है, और जिसने पाया नहीं केवल बताया गाया समझाया वो नहीं दे सकता। क्या कह रहे आगे कि इनके संग पिया नहीं मिला, पिया मिले काऊ साध, वो तो साध साध गुरु एक ही चीज, गुरु लखावे साध और साध लखावे गुरु, और साध गुरु में भेद नहीं। जब वो अपने समान बना लेती
और साधवा ने जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साथ लिया, काम करो लोभ मोह अहंकार से बिल्कुल अलग रखा, किसी की निंदा चुगली बुराई ये गंदगी नहीं बटोरता, वो गंदगी बटोरने वाले साध नहीं होते, जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साथ लिया है। इनसे कोई किसी की गंदगी ना कहना और ना सुनना, ना उनकी गंदगी बटोर के रखना, का ये काम है। तो साध गुरु, लेकिन दोनों का कहना नहीं, साध गुरु का कहना मानो, साध गुरु का कहना मानो तो कुछ काम सरे, तो हमारा आपको कुछ काम हो सकता। लेकिन हम साध साध को जानते नहीं और गुरु को पहचानते नहीं, दोनों चीजें खत्म। तो क्या करें, समझा के कि पिया मिले कहू साथ समझ। अगर सच्चे पिया प्रीतम मालिक से मिलना चाहता है तो वो साथ जिसने गुरु को साधा, गुरु को पकड़ा, उनके वचनों को पकड़ा, उनकी बताई नीति रीति पर चला और चल करके अपने मंजिल को पूरा करके पहुंच गया, उसको साथ कहते। तो कहते हैं उनमें और साधु गुरु में कोई भेद नहीं होता, वो एक ही चीज है। आगे क्या कह रहे हैं कि ये तो भूले विषय भास में, 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 भरम धसे इनकी रग रग में, भरम धसे इनकी रग रग में, कोजरी पिया को निज घट में, कोजरी पिया को निज घट में। ये जितने तुमको सुनाते हैं समझाते हैं, अपने लोग लालच के लिए अटकाते भरमाते हैं, कह दे तो सब खुद ही विषय भाषणों में फंसे, ये तो भूले विषय वास में। और ये तुमको कैसे निकालेंगे, जो विषय वासनाओं में खुद फंसा है, भोगों के दलदल में एकदम फंसा है, वो तुमको कैसे निकालेगा, जो निकला हुआ है वो निकालेगा। क्या कह रहे हैं कि इनके तो कि भरम है, ये भूल भरम में खुद ही फंस गए, ये सुनाने को बताने को समझाने को ये सब कुछ समझते और करने कराने को ये जानते नहीं कि उन्होंने किया नहीं। आगे क्या कह रहे समझा के कि तुमको कैसे कैसे बचना और किनसे बच के रहना और कौन कौन तुम्हें अटका भटका भरमा सकते, ये सारा भेद खोल रहे। एक एक वचन को जब सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा। आगे क्या कह रहे, ये अटक भटक तुम्हारी खत्म कौन करेगा, बिना संत कोई वेद ना पावे, बिना संत कोई वेद ना पावे, बिना संत कोई वेद ना पावे, वे तो ही कहे अलग में, वो तो ही कहे अलग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट। अब बात किनके द्वारा मिलेगा सच्चाई का रास्ता, का बिना संत, संत माने दाढ़ी वाल नहीं, संत माने लाल पीला सफेद कपड़ा पहनना नहीं, संत माने कोई जात बिरादरी नहीं होती, का संत जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जिसने अंत कर दिया, बिल्कुल अलग थलग खड़ा, कहा उसको संत कहते। और जीवात्मा को काल माया के बनाए कर्मों के जाल से अलग कर और इसको सत्य देश पहुंचा, उसे संत कहते। यह है पहचान। तो बताओ यहां संत कौन बन जाएगा, सदगुरु कौन बन जाएगा, गुरु या कौन बन जाएगा। इतनी भी समझ तुम्हारे अंदर नहीं है कि वाले संत और गुरु ये सबको कहने लगते हो, कोई संध्या बन सकता, ये बनने बनाने का विषय, करने कराने का विषय है। आगे कह क्या कह रहे कि जब लगे संतो
मिले नहीं तुमको, अलग संत मिले नहीं तुमको, जब अलग संत मिले नहीं तुमको, जब अलग संत मिले नहीं तुमको, खाय ठगोरी इन ठगियन में, 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 खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में, कहा जब तक वो संत जो काम करो लो मुंह अहंकार को अंत कर चुका हूं, तब के अंत में खड़ा पाक साहब निर्मल पवित्र, कहा जब तक वो नहीं मिलेंगे इन ठगों से तुम्हारा छुटकारा नहीं। ये सुनाने बताने समझाने वाले लोग लालच को आगे रखने वाले, कहा इन ठगों से तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। देखो एक एक वचन को कैसे कह, लेकिन तुमको सुनने नहीं देगा, क्योंकि सर पे काल सवार है, कहीं नींद में कहीं झुके में कहीं इसमें उसमें अटका भटका देगा, और सत भी तुम्हारे जवान से उच्चारण नहीं होगा तो लाभ कैसे मिलेगा। इतना भी तुम सत नहीं उच्चारण कर सकते हो तो करने के लिए तुम्हें बहुत दूर है, करनी तो बहुत कठिन है, जब कह नहीं सकते तो करनी तो बहुत कठिन है। आगे क्या कह रहे हैं कि सत गुरु शरण गहो अबू प्यारे, गुरु शरण गहो अबू प्यारे, सत गुरु शरण गहो अबू प्यारे, सत गुरु शरण गहो अबू प्यारे, मिले ज्योति जगमग में, मिले ज्योति जगमग में, मिले ज्योति जगमग में, मिले ज्योति जगमग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। देखो सब बता रहे अटकाने वाले भटकाने वाले भरमाने माने कहो, और इनसे छुटकारा जब मिलेगा जब सतगुरु की शरण को श्रद्धा और प्रेम विश्वास के साथ जब पकड़ोगे। सतगुरु शरण कहो प्यारे, बिना इसके तेरा छुटकारा और निवारण कोई नहीं कर सकता। देखो सब बता रहे किसने अटकाया भटकाया, कौन अटकाने भरमाने वाले हैं, और किनकी शरण में जाकर ये तुम्हारा सब काम होगा। कहते मिले ज्योति जगमग, वो तुम्हें उस प्रकाश में चेतन जहां की तू रहने वाली है तुझे वहां पहुंचा देंगे, और तुम अपने उसी प्रकाश में लय हो जाएगी। काल भी तीन तरह की ज्योतियां दिखाता, अग्र शिखा और जेल में, लेकिन सच्ची ज्योति कौन, जगमग ज्योति हो तो जियारा, जो कभी न धीमी होती है न तेज होती है न खत्म होती है न घटती बढ़ती। जिस ज्योति का जिस प्रकाश का कभी अंत नहीं होता, वो चेतन प्रकाश में देश है जीवात्मा सुरत्र, तू भी वही कोई रहने वाली और मैं भी वहीं से आया हूं। चलो मैं तुझको उसी देश पहुंचा दूंगा, लेकिन तू बात तो समझ ले, बच्चों को तू सुन ले और समझ ले और चल पड़ तो तू घर पहुंचाएगी। इसको इनको कहते हैं हमदर्द, ऐसी हमदर्दी लेकर जो मृत्युलोक मंडल पर आता है वो हमारा सच्चा हमदर्दी है, सच्चा शुभचिंतक और रहबर और रहनुमा है, लेकिन हम उनको समझ ही नहीं पाते। यही काम तो आपके लिए सतगुरु दयाल ने किया, लेकिन हम आप उनको पहचान ही नहीं पाए किसी तरह से, और अब भी पहचान नहीं, अभी लोगों की पहचान नहीं है, केवल कहते हैं सुन सुनाते हैं लेकिन करते नहीं। जब तक करेंगे नहीं तो उनकी भी सुनकर सलाह कोई अच्छी नहीं है, वो तो सुनाने वाली बताने वाली सलाह लेकिन करने कराने वाली
जो सलाह देगा वो बिल्कुल हाथ पकड़ कर वहीं पर पहुंचा देगा। फिर हमें आपको किसी तरह की शंका चिंता नहीं। देखो किस तरह से इनको कहते हैं महापुरुष, ये समृद्ध महापुरुष है जो सब तरह की सामर्थ्य के लेके आए। जो फंसे हैं वो बता रहे हैं, और कौन कौन फंसा यानी फंसाया वो भी बता रहे हैं, और कैसे कैसे निकलोगे वो भी बता रहे। इनको कहते हैं समृद्ध जानकार। ये सब नहीं होते, इसीलिए कहा सदगुरु एक गुरु होते। समय का सदगुरु एक ही आया, और गुरु यहां बहुत है, गुरु बहुत है। इसीलिए सच्चा सदगुरु कौन, तो उन्होंने बताने की कोशिश की। कहा प्रथम गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। ये पहले गुरु है जिन्होंने एक रक्त और एक बीज दोनों ने मिलकर ये आपका कसरी जन्म मिल गया। ये जन्म देने वाला गुरु क्या, प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता। दूसरा गुरु भाई वो दाई जो गर्भवास की मैं छुड़ाई। तो दूसरा यानी गुरु का यह भी काम कि तुम्हारी संपूर्ण गंदगी को हटा दे और गंदगी से परहेज न करे। जो परहेज करेगा वो गंदगी नहीं हटा सके। जैसे धोबी जो कपड़े को धोता, अगर गंदगी से परहेज करेगा तो कपड़ा साफ नहीं करता, और गंदगी से ही उसकी महिमा है। जो कोई गंदगी ना साफ करे और वो साफ करते उसी की तो महिमा है। उसी को कहते बहुत अच्छा धोबी है, बहुत अच्छा जानकार है, इसके पास तो मतलब यानी सब साधन है, उसी को हम आप प्राथमिकता देते। और तीसरा गुरु नाम जो धारा, ले लेना जो गौ पुकारा। ये है कुल पुरोहित जिन्होंने आपका नामांकन कर दिया, जिससे आपका एक परिचय हुआ। वैसे हमारा आपका नाम कुछ नहीं, जीवात्मा का कोई नाम ही तो जीवात्मा, यही नाम कोई नाम नहीं। लेकिन शरीर की पहचान के लिए या माँ बाप कोई ना कोई नाम तो रखी देते, वो असली नाम नहीं होता। वो तो शरीर का नाम है, और जीवात्मा का नाम तो जीवात्मा, उसका कोई नाम है। वैसे अगर पूछो तो हमारा आपका कोई नाम ही नहीं, अगर नाम है तो सिर्फ जीवात्मा। और इन नामों में भेद है, जो ये नाम अलग अलग रखे जाते, कोई कुछ रख रहा कोई कुछ रख रहा, अपने बुलाने के लिए, अपना परिचय करने कराने के लिए, तो ये तो नाम आपका रख दिया। लेकिन हमारा आपका नाम ये नहीं है, असली नाम तो जीवात्मा ही। अगर पूछा जाए कि आप कौन हो तो कोई नहीं बताता, कोई अपनी उपजातियां बताएगा, इस जाति का हूं, इस जाति का हूं, इस धर्म का हूं, इस मजहब का हूं, इस गांव का हूं, ये जिले का, इस प्रांत का, ये बताएगा। लेकिन ये परिचय नहीं है, ये तो परिचय अधूरा है। सच्चा परिचय केवल जीवात्मा, क्योंकि हम सब जीवात्मा ही है, हमारे सबके अंदर जीवात्मा ही है। और जीवात्मा जब तक रहती तब तक ये परिचय सब काम आता, और जितनी जीवात्मा निकल जाती सारे परिचय खत्म। लोग कहते ये मुर्दा है, ये मुर्दा है मिट्टी, सब परिचय खत्म, सारे परिचय, सारे रिश्ते, सारी योग्यता, और ये तुम्हारा सब खत्म हो जाता है एक मिनट में, जैसे जीवात्मा निकली और सब परिचय खत्म। तो इसका मतलब है हमारा असली परिचय जीवात्मा ही, हम ये जानते नहीं थे, क्योंकि हमको किसी ने बताया नहीं था। जो बताने वाले पहले युगों में आए वो बेचारे खुद ही नहीं जानते थे। तो कहने का मतलब है कि ये सब गुरु ही है। अब गुरु की बात समझ में आपके आ जाए। तीसरा गुरु नाम जो धारा, और लले ना जो गौ पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चीना। ये चौथा गुरु है, आपको एक परिवार से जोड़ दिया, एक पत्नी है, एक पति है, कुछ बाल और बच्चे हैं, तो आपका ये धीरे धीरे परिचय शुरू हुआ। देखिए ये मार्ग खुल गया कि संसार में आप कैसे रहेंगे, किनके किनके साथ रहेंगे, ये तुम्हारे साथी कहाँ तक के हैं, कितना साथ देंगे, कितना सहयोग करेंगे, ये सब जानकारी तो है। पांचवा गुरु जो दीक्षा देना, राम नाम का सुमरण। फिर पांचवा गुरु मिल गया, कहा तुमको राम नाम से जोड़ दिया। कहा भाई ये गुरु जो तुम, क्योंकि राम ने क्या क्या किया था, इसलिए
इस नाम से क्यों जोड़ा कि भगवान राम आए वो भी मनुष्य शरीर में पर किसी घर पैदा हुए थे, वो भी किसी के बेटे थे, उनके माँ बाप थे, उनका परिवार था, उनका गांव था, उनका शहर उनका भी तो था। तो इसी तरह तुमको इस नाम से जोड़ा कि यानी राम नाम का स्मरण किया, इसलिए कि इन्होंने परिवार में रह के क्या क्या किया, तो इन्होंने किसकी पूजा किया, ये भी तो आप नहीं समझ पाए। नाम तो लेते हो लेकिन उनका काम नहीं समझ पा रहे, उन्होंने कौन सा काम किया जिसके कारण आज भी उनका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जा रहा, लोग उनकी पूजा कर रहे। तो उन्होंने क्या लिखा कि प्रातः समय उठी एक रघुनाथ मातु पिता गुरु इनाम माथ प्रातःकालीन ब्रह्म मेला ब्रह्मोत्पुट में भगवान राम माता पिता गुरु की पूजा की। ये पूजा की उन्होंने, माता पिता गुरु ये तीन देवता हैं और ये चेतन है, इनमें कोई पत्थर कागज कैलेंडर नहीं है, ये चेतन देवता माता पिता गुरु की पूजा की। भगवान ने माता पिता गुरु की यानी चेतन पूजा की और इंसान जड़ पूजा कर रहा कागज पत्थर पानी की, तुम भगवान की बात भी तो नहीं मानते, जिसको भगवान कह रहे हो उसकी भी बात आप नहीं मानते। अब उन्होंने ये सिद्ध किया, जब लंका से जीत कर अयोध्या में आए तो पूर्ववासियों ने बड़ी खुशी मनाई कि हमारे भगवान ने बड़ा साहसी कार्य किया, कितने दुष्टों को मारा और धर्म की स्थापना किया और भक्तों की मदद किया। लेकिन जब भगवान राम ने सुना कि प्रजा मेरी प्रशंसा कर रही तो दौड़ के आए, हाथ जोड़ के अपनी प्रजा से कह रहे, भाई मैंने ये कुछ नहीं किया, तुम क्यों नाक हमको प्रशंसनीय बना रहे हो, मैंने ये कुछ नहीं किया। तो प्रजा कहती भगवान ये सब किसने किया। तो भगवान राम क्या कह रहे कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे और इनकी कृपा इतनुज रल मारे कत मैंने कुछ नहीं, ये मारे मेरे कुल के पूजनी हमारे गुरु महाराज वशिष्ठ जी, ये गुरु महाराज की दया से काम हो गया, मैंने कुछ नहीं। देखो भगवान तो यानी गुरु पर न्योछावर और हम आप कागज पत्थर पानी पर न्योछावर, इतनी भी बात नहीं समझ पाए कि हमको करना क्या चाहिए और क्या कर रहे हैं, और वो भी नहीं समझ पाए इसका लाभ कैसे मिलेगा ये भी नहीं जान पाए, केवल आंख बंद करके आप लग गए अंधानुकरण, ब्लाइंड सपोर्टर बनकर कभी कोई काम सफलतापूर्वक नहीं हो सकता है, ये आप जानकारी रखनी चाहिए। देखे क्या बता रहे कि मैंने नहीं किया और भगवान राम ये भी बता रहे मेरे पूरे कुल में मेरे पूरे वंश परंपरा में कभी यानी कागज पत्थर नहीं पूजा गया, हमेशा गुरु ही पूजा गया। कितनी बड़ी बात कह रहे कि मेरे अकेले की नहीं, मेरे कुल वंश परंपरा में सदैव गुरु ही पूजा गया। अब भगवान राम का कितना बड़ा कुल है, जो इतिहास जानकारी दे रहा, राजा सगर, राजा सगर के राजा दिलीप, राजा दिलीप के राजा रघु, राजा रघु के राजा आज, राजा आज के राजा दशरथ और राजा दशरथ के राजा राम और राजा राम के लोकस का पूरे कुल वंश परंपरा में मेरा गुरु ही पूजा गया। कितनी बड़ी शिक्षा, लेकिन अब भी नहीं सोच पाए, जबकि त्रेता की बात कह रहे कि हर युग में गुरु की पूजा हुई और जिसने गुरु की पूजा की उनकी पूजा हो रही, उनका इतिहास बन गया, जितने अपने गुरु के आदेश हुकुम का पालन किया, उनको जाना माना पहचाना, उन पर अपने आप को बिल्कुल आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन हम आप ये भी तो नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाए और तभी सारे लाभ से वंचित हो। अरे भगवान राम को तो गुरु मिल पाए, हम आप कितने बड़े भाग्यशाली, हमको सदगुरु मिल गए। सदगुरु, सदगुरु का मतलब गुरु केवल राजपाट धन दौलत मान सम्मान मिलाने वाला, इतिहास बनाने वाला, पूजा कराने वाला, लेकिन सदगुरु सत माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर पर ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको प्रेमी और सदगुरु कहते। क्या सदगुरु कोई यहां बन जाएगा?
कोई बन के सदगुरु सिद्ध हो जाएगा, इतने भी तो समझ में तुम्हारी आया नहीं, क्योंकि तुम गुरु को नहीं समझ पाए तो तुम अपने सदगुरु को कैसे समझोगे? कैसे देखो एक एक चीज और नहीं समझ में कुछ आया। तो कहा कि छठवां गुरु भरम सप्तारा, ओंकार से नाता जोड़ा, ये छठवां गुरु है, यहां तक आपको पहुंचा देगा। अरे जहां तक का जानकार मिलेगा वहां तक की जानकारी देगा, अगर जानकारी लेकर आप चल पड़ोगे तो वहां पहुंचा देगा। लेकिन ये पूरी बात अभी नहीं हो रही, आगे क्या कह रहे? सतवां सतगुरु शब्द लखाया, जहां का जीव तहां पहुंचाया। कहा ये सतगुरु शब्द जो शब्द से मिलाएगा, सतवां सतगुरु शब्द लखाया और जहां का जीव तहां पहुंचाया, ये केवल सतगुरु का काम। और वो कलयुग में आए, देखो कितनी बड़ी हमारे सब पर दया हुई कि सतगुरु ने ऐसी दया से हमें आपको जोड़ दिया जिस दया के काबिल हम लोग नहीं। हम लोग कितने गंदे हैं, कितने पाप करने वाले निरंतर, क्योंकि हम अच्छा करना जानते नहीं। अच्छी सच्ची की जानकारी किसी ने दी नहीं, कोई अच्छी सच्ची जानकारी कराने वाला आया नहीं, और सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने वाला आया नहीं, और सही सच्चे सतलोक सत्संग पहुंचाने वाला आया नहीं कोई, तो हमारा काम सब अधूरा रहा। तो कहते सतवां सतगुरु शब्द लखाया और जहां का जीव तहां पहुंचाया, ये काम केवल सतगुरु का। अब कहां का जीव है और कौन कहां पहुंचाएगा? तब कहते जहां जिस लोक मंडल मुकाम का जानकार गुरु मिल जाएगा वहां तक आपको पहुंचा देगा। अगर उसकी बात मान लोगे तो केवल गुरु गुरु कहते रहोगे तो भी कुछ, इधर गुरु गुरु और उधर शुरू शुरू, कुछ बंदा ही नहीं है। न गुरु शुरू के बारे में कुछ नहीं जानता, गुरु गुरु कहते हैं सब शुरू शुरू, शराब भी पी रहे, मुर्दा भी खा रहे, झूठ भी बोल रहे, चल कपट कर रहे, धोखाधड़ी बेईमानी कर रहे, बहका रहे, बरमा रहे, निंदा आलोचना बुराई भी कर रहे। अरे कहते ये कौन है? इनसे कुछ नहीं मिलेगा, जो खुद नहीं पाया तुम्हें क्या देगा? ये तो वो अपना परिचय देख रहा दे रहा कि मैं निंदा आलोचना बुराई यही मैंने पाई है, यही मैं कर रहा हूं, और सबकी गंदगी टटोल रहा हूं, बटोल रहा हूं, तो अपना परिचय दे रहा, फिर भी आप नहीं समझ पाए। आपको कहना चाहिए चलो भाई निंदा आलोचना बुराई तो हमने सुन ली, अरे कुछ अच्छी बात भी तो बताओ, कुछ अच्छी भी बात बताइए आप। क्या निंदा आलोचना बुराई का ही ठेका लिया है? कोई अच्छी सच्ची बात कहने का, बताने का, या करने का, या करने का अनुभव कोई आपने नहीं किया? वो तो कभी नहीं कहते, तो वो साफ अपना परिचय दे रहा कि मैं यही जानता हूं, मैं यही बता रहा हूं, और मेरे पास यही गंदगी है, अगर गंदगी चाहते हो तो मेरे पास आओ। फिर आप उनकी बात क्यों सुनते हो? क्यों सुनते हो? अरे गंदगी तो सबके पास है, निंदा आलोचना बुराई करने के लिए जवान सबके पास है। अगर यही तक सीमित रहोगे तो ये फिर ये जो ये कहा गया सतलोक सत्खंड अनामी धाम प्रभु धाम, जो सच्चा हमारी आपकी जीवात्मा का घर मंडल मुकाम, हम वहां कैसे पहुंचे जब इसी गंदगी में पड़े रहे? और उधर लिखा है निर्मल जल मन सो मोई पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं पावे। कहा मुझको कौन पाएगा जिसका मन निर्मल पाक साफ पवित्र, तो सब गंदगी बटोर रहे। अब समझ गए इनका मन गंदगी बटोरने वाला, गंदगी टटोलने वाला, जब भी सत्संग में आएगा तो अच्छी बात नहीं सुनेगा, देखेगा इनकी कौन कमी इसमें मिल जाए। तीन घंटे में जो कमी वही ढूंढेगा, अच्छाई को नहीं पकड़ेगा। ये है ये काल के जीवों की काम है उनका, यही तो अपनी पहचान दे रहा। तुम फिर भी नहीं समझ पा रहे हो, कहो भाई ये तो काल का सामान है, निंदा चुगली बुराई, और तुम वही कर रहे हो तो सबकी गंदगी बटोर कर क्या तुम्हारा यही काम है? अच्छाई नहीं जानते हो? अच्छाई का प्रचार नहीं आपने किया? अच्छाई के बारे में जानकारी नहीं दी? अरे हम सब कलयुग के जीव वैसे भी बुरे हैं, वैसे भी गंदे हैं, गंदगी कम नहीं, और फिर तुम गंदगी ही सुनते रहोगे तो फिर सफाई की तरफ कब बढ़ोगे, सच्चाई की तरफ कब लगोगे? ये तो इतना तो सोचना ही चाहिए।
अब जो कर रहा है और तुम भी वही काम करने लगो, इसलिए मैंने आपको मना किया कि कोई भी जो मैं कहूं वो कहूं। मैं किसी की गंदगी बटोरने नहीं आया, किसी की निंदा आलोचना बुराई करने नहीं, ये मेरा काम नहीं, मैं ये करता ही नहीं हूं। अगर ये किया होता तो इतने लोग ये जंगल में आ सकते थे पहले? यही आप देखिए, क्या कोई ऐसा है जो इतने लोगों को जंगल में इकट्ठा करते इस समय? केवल निंदा चुक रहे, किसी और कुछ नहीं। अरे इसी में समय क्यों खराब कर रहे हो? मैं तो यानी गुरु भाई के नाते, गुरु परिवार के सदस्य के नाते मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं। मानो न मानो खुशी आपकी, और मैं पहले भी 8 वर्ष मैंने संदेश दिया मन से, तो किसी ने कुछ नहीं पकड़ा, कुछ नहीं पकड़ पाए। अब जब सब सारी कहानी हो गई तब इन्होंने सोचा कि कुछ कमी तो मिली नहीं, चलो अब कुछ कमी भी तो इनकी निकालनी चाहिए, तो सब इसी में जुट गए। ये कमी वो कमी को मैंने जो 8 साल सुना है वो क्या था, वो क्या था? वैसे थोड़ी सुनाया, और सबने सुना है। ये भी नहीं जिनको तुम ये सुना रहे हो, ये निंदा आलोचना बुराई ये कमियां, इन्होंने मेरा 8 वर्ष संदेश भी सुना है, तुम क्या सुनाओगे? अरे सबने सुना है, मैंने सबको सुनाया। ऐसा थोड़ी कि कोठरी में कोई जंगल पहाड़ में बैठकर मैंने कुछ कहा, मैंने सदगुरु दयाल के बच्चों को और सबके समक्ष खोल करके कहा, और आज भी कह रहा हूं मेरे में कोई आप परिवर्तन नहीं पाओ, क्योंकि मेरे में लोभ लालच नहीं, कोई मान सम्मान की किंचित मात्र भावना नहीं है। इसलिए मैं जो मैंने आपसे कहा आज भी खुले मन से कह रहा हूं, जबकि कोई नहीं कह रहा, क्योंकि तुमने कभी अच्छा कहा नहीं, अच्छा आपने किया नहीं तो कहोगे क्या? जब आदमी कुछ करता है तभी अपने बच्चों को बताता, देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया, ऐसे मेहनत की परिश्रम किया, ऐसे धन को कमाया और तुम्हारे काम में लगाया, इसी तरह तुम भी काम करो। जब कुछ करोगे तभी तो कहोगे। इनकी सुनकर तो आपको पता चल गया इन्होंने ये किया, इसकी गंदगी, इसकी बुराई, उसकी बात। अरे ये तो सब जानते ही है, सब बेचारे बुराई में वैसे भी फंसे, और बुराई अगर सुनाते रहोगे, बताते रहोगे, समझाते रहोगे बुराई की तरफ, इनको मैं नहीं मतलब बढ़ाते रहोगे, तो ये अच्छाई कब करें, अच्छे काम कब करें? अरे कुछ अच्छा कहो, कुछ अच्छा करो, अच्छा कहो, ये दोष क्यों ले रहे हो अपने ऊपर? मैं तो खुले मन से कहता हूं, मैं कोठरी में बैठ के कुछ नहीं, जो कुछ कहता हूं सरेआम कहता हूं। तभी मीडिया पत्रकार 8 सालों में बहुत आए, और सबने पूछा कि मैं कुछ आप बता दीजिए, हमने नहीं कुछ नहीं, मैं तो सब कुछ बताता, कुछ क्यों बताऊं? कुछ का मतलब झूठ है, या कुछ छोड़ रहे, कुछ मतलब यानी छोड़ रहे, कुछ छिपा रहे, तभी कुछ की बात कर रहे हो, मैं तो सब कुछ कहता हूं। और मैंने 8 वर्ष और ऐसे नहीं परमिशन लेकर, ये भी नहीं आप कह सकते हो, प्रशासन से परमिशन लेकर तब मैंने कहा। अब तुम प्रशासन से क्या कहोगे, मेरे बारे में क्या कहोगे तुम? मैंने परमिशन लेकर ही 8 वर्ष ये संदेश दिया है, सब जगह घूम घूम कर, ऐसा थोड़ी कोई किसी को बाकी नहीं, सबको बताया। अरे उसी समय आपको कहना चाहिए था आप गलत संदेश दे रहे हैं, इससे मतलब नुकसान हो जाएगा, और हमको अच्छा बताते, हम तुम्हारा अच्छा सुनकर अच्छी बात कहने लगते, लेकिन किसी की बात, अरे है तो है, नहीं तब तुम बताओगे क्या? वो तो तुम्हारा सब बुद्धिमत्ता, तुम्हारी बुद्धिमानी खुल गई कि निंदा आलोचना बुराई के सिवा तुम कुछ कर ही नहीं सकते, और इससे कुछ होने वाला नहीं। जब तुम्हारा भला नहीं, तुम दूसरे का भला क्या कर सकते? जब अच्छी सच्ची भलाई की बात तुम नहीं सीख पाए और समझ पाए, और मतलब यानी तो तुम दूसरों को किसी की बुराई निंदा करके क्या तुम अच्छे बन जाओगे? अच्छा कर्म करो तब अच्छे बनो, कोई निंदा बुराई करके कभी अच्छा नहीं बना, जब बना अच्छे कर्म करके ही, और अच्छा जब काम किया तो लोग उसको अच्छे कहने लगे। हम तो कहते हैं आप हमसे अच्छा काम करो, आपको हमको पीछे कर देंगे, आप आगे हो जाओ, मैं छोटा आप बड़े हो जाओगे, तुम्हारी सच्ची हमारी झूठी हो जाएगी। लेकिन निंदा आलोचना बुराई से तुमको हम किसी को पीछे कर देंगे, ये भूल है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल। इससे तुम ना अपना भला कर सकते हो, ना लोगों का भला, और कुछ ऐसे मनचले हैं जो तुम्हारी बात मानेंगे, क्योंकि मैंने सबको सुना चुका हूं, 8 वर्ष मैंने सुनाया, तुम क्या बताओगे इनको?
मैंने 8 बरस सतगुरु के संपूर्ण वचनों को लोगों के सामने खोल कर कहा, क्योंकि मैंने बड़े नजदीक से अपने गुरु को देखा, बहुत नजदीक से देखा, बहुत नजदीक से सुना, बहुत नजदीक से पहचाना और किया और करके जब लाभ मिला है तो आप सबको बता रहा हूँ कि नहीं नहीं समृत मालिक, धोखा मत खा जाना, आपको पूरा लाभ देने वाले आए और पूरा लाभ देके जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। नहीं तो इतना तो आपको सोचना चाहिए। तो मैं तो आपके सामने पहले भी आज भी मैं बंद नहीं किया, सब जगह बंद, केवल निंदा आलोचना बुराई वो घरों में बैठ के छिपके कर रहा, खुल के नहीं। अरे मंच लगा के कुछ कहो तो समझ में सबके आ जाएगा, मंच लगा के कहिए आप तो हम भी समझे भाई कुछ तुम जानकार हो। ये चुपके चोरी से तो पीछे से भगवान की भी तो लोग निंदा करते, भगवान को भी लोग गाली देते पीछे से, लेकिन सामने किसी की हिम्मत पड़ी थी सीताराम के सामने मार काट के खलियान कर देते, काल शक्तियां थी, लेकिन आज तो दयाल शक्ति आई है, ये काम वो करेगी नहीं जो तुम कर रहे थे, सजा देने आए नहीं। जब हम दयाल शक्ति के सुपुर्द हैं, उनको अपना मानते हैं, तो हम उन्हीं की रहनी गहनी को अपनाएंगे, हम तुम्हारी रहनी गहनी को नहीं अपना सकते। तुम्हारी तरह मैं किसी की निंदा आलोचना बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि हमके गुरु ने ये शिक्षा दी नहीं। तो उन्होंने कहा है, संत मत के प्रेमियों तुम सदैव मेरी 3 बातें याद रखना, न किसी की निंदा करना और न सुनना, कम खाना जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहे और मशीन पचा सके, और गम खाना बर्दाश्त कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, यह समय बर्दाश्त करने का, क्योंकि काल के जीव तो भला बुरा कह के तुमको बुरी तरह बसीटेंगे, जब बुराई करेंगे तुम्हारी तो तुम्हें क्रोध आएगा, जब क्रोध आएगा तुम भी उन्हीं के समान हो जाओगे, और यही उनके करने का मतलब है कि सबको अपने अनुसार हम बना ले। इसीलिए कहा गया कि कट वचन निंदा आलोचना बुराई कौन बर्दाश्त करता है, घाम उस धरती सहे और सहे बन रहा है, और कटु वचन साधु सहे और हम सहे न जाए। वो साधु जो सद्गुरु की शरण पाकर अपने मन बुद्धि चित्त को साध लिया है, बुराइयों की तरफ निंदा आलोचना बुराई की तरफ कदम नहीं बढ़ाता है, अपने को उसने साधा है गुरु के वचनों के द्वारा, गुरु की दया के द्वारा, नाम की कमाई की जो दया मिली उस दया को वो बिखेरना थोड़ी चाहता, वो तुम्हारी तरह से निंदा आलोचना बुराई नहीं करेगा, नहीं तो हमारे आप में फिर फर्क क्या होगा, अंतर क्या होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए जब सत्संग वचनों को आप सुनोगे तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि आखिरकार ये संदेशा किस लिए हो रहा, किस वास्ते हो रहा है। तो समझ में तो लोगों को आ गया, क्योंकि मैंने 8 वर्ष सुनाया है, ऐसा तो नहीं है, और किसी की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई, क्योंकि मैं अपनी बात कहता तो लोग टिप्पणी करते, अपने मान सम्मान लोभ लालच मान प्रतिष्ठा की कोई बात करता तो टिप्पणी आती। तो 8 वर्ष का तो परिचय आपके सामने है, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने किसी के लिए कुछ कहा नहीं, किसी कोई निंदा आचरण आलोचना बुराई तो मैंने नहीं की, ना कोई यानी नेता की, ना कोई मंत्री की, और ना कोई महात्मा की, और ना गीता रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ की, ना मंदिर मस्जिद गिरजा घर द्वार, मैंने कोई निंदा आलोचना नहीं की। ये काम अगर किया होता तो आज यहाँ कोई नहीं आता, इस जंगल में अरे बस्ती में और भीड़ में तो सबको इकट्ठा कर दो, लेकिन जंगल में इकट्ठा करके दिखाइए, तब तो पता चल जाए कि हाँ तुम्हारे पास भी कुछ है। ऐसे तो भगवान की भी लोग बुराई करते, राम की कितनी बुराई, कृष्ण की कितनी बुराई, ईसा मसीह की कितनी बुराई ने सूली पर चढ़ा दिया, मैं भी किया, मोहम्मद साहब की कितनी बुराई, अरे जितने कबीर साहब नानक पटू रविदास कितनी बुराई, गोस्वामी जी महाराज अभी कलयुग में आए जब उन्होंने सत्य सही राज
इस घट का अंदर का खोलने लगे कि चलो सबको सच्चाई बता दी जाए, बेचारे बाहर में फंसे हैं और फंस करके जीवन चला जाएगा, बाहर में है ही कुछ नहीं। वो तो अंदर में जीवात्मा और अंदर में रास्ता है और परमात्मा से मिलाने वाला रास्ता जब सदगुरु मिलेगा और अंदर में नाम की कमाई का कि मतलब यानी दया करेगा तभी तो काम होगा। तो अंदर का राज कहा चलो खोल दे, क्योंकि गोस्वामी महाराज तो अपनी सारी करनी खुद बताते कि मेरे जैसा कोई कामी पुरुष नहीं था। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तुम जानो प्रभु अंतर्यामी। कहा मेरे समान कोई पापी नहीं था, कोई कामी नहीं था। जब मुझ पर सदगुरु दयाल की दया हो गई तो तुम्हारे पर क्या नहीं हो गई। तो जब इतने ज्यादा अपनी पत्नी के आश्रित थे बेचारे, उसके बगैर रह नहीं पाते, तो उन्होंने अपनी जीवन कथा में सब कहा है। उन्होंने छिपाया नहीं कुछ, सारी गंदगी अंदर की खोल के रखी कि मैं मन से और तन से और इंद्रियों से और बुद्धि से कितना खराब था। एक बार उनकी स्त्री मायके चली गई और उगाई चराने गए थे, जब लौट के आए तो घर में उसको नहीं पाया तो बेचारे बड़े दुखी हुए और तुरंत चल दिए ससुराल के लिए। ये भी नहीं सोचा ऐसी स्थिति में जाना ठीक कि नहीं ठीक है, चले गए और रात में पहुंच गए। जब रात में पहुंचे और 12 बजे तो रात में किसी स्त्री के पास उसका पति मायके में पहुंच गया तो बड़ी शर्म होती कि परिवार के लोग क्या कहेंगे, गांव वाले जान जाएंगे क्या कहेंगे, कैसा इसका आदमी है, कितना कामी है। तो मारे शर्म के रत्ना ने जो उनकी पत्नी थी उन्होंने कहा कि लाज ना आई आपको दौड़े आए साथ, दिखते ऐसे प्रेम को का कहूं मैं ना, धिकार है तुम पीछे दौड़े चले आए, समाज क्या कहेगी, गांव के लोग परिवार के लोग क्या कहेंगे, किसका आदमी कैसा है। और दूसरा बाण फिर मारा, रत्ना की बात सीने में लात सी लगी है, क्या कह रही है, अस्थि चर्मी ते में तामे जैसी प्रीति ऐसी यदि श्री राम में तो होत न तो भवेत। का जितना प्रेम तुमको मेरे इस चमड़े के शरीर, इसमें चमड़ा है, हड्डी है, मांस है, खून है, अंदर में मल और मूत्र भरा हुआ इस गंदे शरीर से तुम्हारा इतना लगाव, अगर इतना प्रेम कहीं भगवान से हो जाए हमारा तुम्हारा उतार हो जाएगा। ये लाश सी लगी उनके सीने में कि औरत होकर मुझे संदेश दे रही है, वो मैं कुछ नहीं जान रहा, बस उसी से यही देखो कैसे ज्ञान होता है। तुरंत ये बाण है, वचन बाण की चोट जग में है भारी और संता में जिसके छुरी न कटाई। ये जो बाण वचन बाण लग जाता है ये भाला और बर्छी ये भी काम नहीं करता, एक बार बात लग जाए तो घाव ऐसा हो तो कभी भरता नहीं। ऐसी बात लगी, गोस्वामी महाराज ने तुरंत संकल्प ले लिया, क्या कहा, तू त्रिया मेरी ज्ञान की माता, तूने ज्ञान दियो गोस्वामी दास, अब भजे भगवाने जा त्रिया तेरी सेजन चढ़ोगी, आज से हमारा तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो गया, तुम मेरी ज्ञान गुरु हो, ज्ञान की माता हो, मैंने गुरु मान लिया कि तुमने ये ज्ञान दिया है, अब मैं भगवान के पीछे भगूंगा, तेरे पीछे नहीं भगूंगा, उसकी खोज करूंगा। बस वहीं से संकल्प ले लिया और चल पड़े खोज, धीरे 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 बहुत भटके, बहुत परेशान, ना मालूम किसने क्या क्या कहा, किसी ने अच्छा नहीं कहा उनको, तब तरह तरह के कट वचन अमरियादि सब प्रयोग करते रहे, लेकिन उनके अंदर ये था जब सुजानकार मिल जाएगा तो ये सब चीज खत्म हो जाए। धीरे 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 खोते 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 उनको नरिहरिदास मिल गए, नरिहरदास उन्हीं को उन्होंने गुरु बना लिया। ये सब जानकार होते हैं लेकिन देखो कैसे छुप के रहते हैं, कैसा सब दिखाते कि हमसे तुम अगर अपने को गंदा समझते हो, कामी क्रोधी लोभी लालची समझते हो, मैं तो तुमसे ज्यादा खराब, फिर भी हमको
सदगुरु मिल गए, उन्होंने रास्ता दे दिया, ये तुम घबराओ मत, कल जो के जियो तुमको भी मिलेगा मालिक। ये सांत्वना देने के लिए अपने को क्या क्या कितना खराब खराब कह रहे। और जब नरी हरिदास मिल गए, उन्होंने नाम दे दिया बस, अब वो नाम के पीछे पड़ गए, नाम कमाई सब को छोड़ छाड़ कर उसी में जुट गए। और तो सब कर ही चुके थे बेचारे, सब जगह थे, उब गए, सब जगह से मार खा चुके थे, कहीं कोई इधर उधर भटकने जाने का कोई रास्ते नहीं रहा, सब कर चुके थे, खत्म था, एक ही रास्ता रहेगा कि अब नाम की कमाई करूंगा, बस उसी में जुट गए। जुट गए, जब उनको गुरु की दया लेकर गुरु पर पूर्ण विश्वास करके जब लग गए, तो बहुत जल्दी एहसास भी हो गया, क्योंकि गंदगी जब खत्म हो गई, अब निर्मलता पवित्रता केवल एक भाव अपने गुरु के प्रति रह गया, किसी के प्रति नहीं, सब रिश्ता नाता खत्म, सारा मोह ममता खत्म, अगाव लगाव सब, अटक भटक सब खत्म हो गई, केवल नाम मिल गया तो बस उसी में जुट गए कि अभी यही सच्चा है, इसी सच्चाई पाकर ही चुप बैठूंगा। और उन्होंने शुरू कर दिया, जब काम होने लगा तब उन्होंने पांचों नाम का वर्णन किया है, पांचों नाम कहा, जब मैंने गुरु की दया लेकर जो उन्होंने रास्ता दिया नाम का, जब मैंने पहले नाम का स्मरण किया, उसको प्रणाम किया और उनका नाम लिया, और लेते 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 जब वो हमको निश्चल देखा कि मेरे अलावा किसी को ये जानता नहीं पहचानता नहीं, किसी का नाम भी नहीं ले रहा, तो कहा और दया हो गई, उन्होंने रास्ता खोल दिया। देखिए क्या कह रहे हैं कि मतलब जैसे पहले नाम का स्मरण किया, तो कह रहे हैं कि भगवान खुश हो गया, काल भगवान खुश हो गए, उन्होंने रास्ता खोल दिया तो मैं आगे बढ़ा, क्योंकि पहला गेट तो वही लगाए बैठे, काल भगवान कहते जो जब उनका नाम लिया वो खुश हो गए, जब खुश हो गए तो उन्होंने रास्ता खोल दिया, जब रास्ता खोल दिया तो मैं आगे बढ़ा, दूसरे नाम पर पहुंचा, जब दूसरे नाम का स्मरण किया और उनको प्रणाम किया और श्रद्धा से उनका भी स्मरण करता रहा धीरे धीरे वो भी खुश हो गए, उन्होंने रास्ता खोल दिया, फिर मैं आगे बढ़ा, तो उन्होंने हर नाम की महिमा काक मैंने करके देखा, जब करके देखा तो मैंने सोचा चलो ये बेचारे नई बड़ी मुसीबत में मैंने मिला है, तो चलो इनको मुसीबत ना हो तो हम सब कलयुग के जीवों पर दया करके उन्होंने ये रास्ता ऐसे ही बता दिया। क्या कहते हैं, एक ही वचन को देखिए कि मैंने कि वो जब खुश हो गए तो रास्ता खोल दे, बीह से तुरंत गयो मुख माही, जब खुश हो गए और हंस पड़े तो दरवाजा खुल गया, मैं उसके अंदर से निकल गया, उधर पहुंचे, उधर मां सुजन्न दिलाया और देखो वो ब्रह्मांड दिखाया, उधर मत में जब पहुंचा तो बड़े बड़े अंडपिंड ब्रह्मांडों की रचना देख रहा हूं गुरु की कृपा से, देखो वहां पहुंचा और उसके आगे पहुंचा, अति विचित्रता लोक अनेका और रचना अमित एक देखे, बड़ी विचित्र रचनाएं एक से एक बढ़ चढ़ करके, जब आगे पहुंचा तो कहते हैं कोटिन चतुरानंद गौरीसा, देखिए क्या कह रहे हैं, करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महादेव एक लाइन में खड़े देख रहा हूं, कोटिन चतुरानंद गौरीसा अगड़ी से शारदा ईसा, ये सब उधर देखने को मिला लेकिन गुरु कृपा से हुआ, ऐसे नहीं, देखो ऐसा बता रहे। और ये राज जब उनको मालूम हो गया, चलो सच्चाई सबके सामने खोल दूं, जब वो काशी में गए, ब्राह्मण पंडित विद्वान सन्यासियों को जब सुनाने लगे तो उन्होंने बड़ा विरोध किया, देखो विरोधी खड़ा हो गया, क्योंकि वो जानते नहीं है, ये वो अंदर की बात कह रहे, ये बाहर में भी कुछ नहीं जान रहा, वो अंदर की आंख खुली कान खुला तब वो कह रहे हैं, और ये अंदर बाहर की आंख कान नहीं खुले, ये बेचारे कैसे मानेंगे, तो सब एकदम विद्रोह करने लगे,
गोस्वामी महाराज को मार डालने की धमकी दी। क्या कह रहा, न गंगा मानता न जमुना मानता, बाहर में देवी देवता ये कुछ नहीं मानता है, ये मूरत और पत्थर ये अंतर्बंदी कुछ नहीं मानता, क्या कह रहा। तो ये जड़ जीव बेचारे विरोध कर, जड़ जीवों का ये काम, वो चेतन की बात तो समझते नहीं और चेतन गुरु को भी जानते मानते पहचानते नहीं और उनसे चेतन ज्ञान ले नहीं पाए और चेतन नाम और ज्ञान की कमाई नहीं कर पाए तो भटके हुए हैं। तो मार डालने की धमकी दी। अब ये संत महात्मा तो नाराज तो होते नहीं, लेकिन नाराजगी उनकी यही है कि वो रास्ता बदलते नहीं, फिर तुम कभी कुछ पा नहीं सकोगे, ये केवल यही नाराजगी। चलो नहीं मानते हैं, चलो विरोध करते हैं, तो उन्होंने ऐसे से ऐसे कर दिया, पलट दिया, ये पलट दिया रास्ता, जो अंदर का था वो खत्म कर दिया और बाहर का ये सब रामचरितमानस में लिख दिया। अब जिंदगी भर तुम चिल्लाते रहो, लाउड स्पीकर लगा के तुम बोलते रहो, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं, क्योंकि मिलना तो अंदर में है और बाहर में। उन्होंने ये लिखा कि हमने ऐसा क्यों किया, मैं अपनी मजबूरी बता रहे कि लोगों के विरोध करने के कारण इतना विरोध, इतना निंदा, बुराई, आलोचना कि हमको रास्ता में मजबूर हो गया, मैंने बदल दिया। तो उन्होंने उत्तरकांड में लिखा, हरित भूमि तृण संकुल और समझ परत नहीं पंथ, जिन पाखंड विवाद से लुप्त भय सदग्रंथ। का ये पाखंड विवाद बढ़ रहा है और सच्चाई अच्छाई को जान मान नहीं रहा, तो हमको ये करना पड़ा, जैसे बरसात में जब हरी हरी घास जम जाती है तो पगडंडी मार्ग, जो शॉर्टकट पगडंडी मार्ग है, वो अवरुद्ध हो जाती, बंद हो जाती, और ये शॉर्टकट रास्ता परमात्मा की प्राप्ति का जो बता रहे थे, जो घट रामायण लिखी, रामचरितमानस तो बाद में लिखी, पहले घट रामायण लिखी कि घट में राम है, जो ये बोल रहा यही राम है, ये घट में है, और घट में भरत, जो अच्छे सुंदर भाव में रथ है, निंदा आलोचना बुराई इन सब से अलग खड़ा है, ऐसा भरत अंदर ही तो भाव है, भाव का भरत। लक्ष्मण, जिसका लक्ष्य सही, निशाने पर निशाना सही लगा रहा, लक्ष्य निर्धारण का ऐसा लक्ष्मण है भी अंदर। और शत्रुघ्न, जिसने काम करो लो मोह अहंकार जैसे शत्रुओं का हनन कर दिया है, वो तो शत्रुघ्न अंदर ही बैठा, अहंकारी भी, अहंकारी रूपी रावण भी अंदर। और दस इंद्रियों को हांकने वाला ये रथ, ये मन, ये भी अंदर है। ये सब उन्होंने अंदर का भेद जब दर्शाने लगे, बताने लगे, तो सबने विरोध कर दिया, इतना विरोध किया कि कल इसको मार दो जान से, क्या क्या कह रहा, कुछ नहीं मानता। और बेचारे जानने वाले ही बता रहे, तुम जानकारों को और जानकारों की जानकारी को जब तुम ले नहीं पाए और समझ नहीं पाए, तो तुम जानकार कैसे बनोगे। देखिए आप, ये सब आपके सामने हुआ और ये सब रामचरितमानस उन्होंने लिख दिया और बाद में उन्होंने उत्तरकांड लिखा आखिर में कि चलो फिर भी कलयुग के जीवों पर दया कर दी जाए, क्यों बेचारे तो सब कान के पैरे आंख के अंधे, न जीवात्मा की आंख खुली न कान खुला, तो फिर भी देखो कितने दयालु होते संत महापुरुष, इतना सताए जाने पर भी, इतना लोगों ने निंदा आलोचना बुराई किया, लेकिन फिर भी वो अपना सच्चा रास्ता कभी बंद नहीं करते, शुरू रहते, क्योंकि सभी तो आलोचक नहीं होते, सभी निंदा में नहीं है, सुनने वाले भी तो है, लेने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं, इसलिए संदेश सच्चा अच्छा और सच्चाई अच्छाई का संदेश कभी बंद नहीं होगा, करना चाहिए। वैसे भी समय खराब, और जब ये चीज बंद हो जाएगी तो खराबी खराबी रह जाएगी, फिर वो खराबी देखेगा, खराबी सुनेगा, तो खराब धीरे धीरे करने लगेगा, तो सभी खराब हो जाएगा। देखो किस तरह से सब, तो उन्होंने ये भी रास्ता खुला कि ये बताओ जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों की से माफी दिलाने वाला, ये कौन होगा, कौन आएगा। गोस्वामी महाराज ने उत्तर कांड में कहा है, ये तुम्हारा काम करने के लिए समर्थ मालिक आएगा। क्या लिखा, कि सतगुरु वैद्य बचन विश्वास
असही अब ये ना इंपिसे की आशा का सदगुरु रूपी वैद मिल जाए और उसके उनके वचनों पर तुम विश्वास कर लो, आत्मसमर्पित भाव हो जाए। और परहेज ये है कि विषय वासनों की इच्छा ना रखो तो वो तो सदगुरु तुम्हारा सब काम कर देंगे। देखो परिचय भी दिया है, ऐसा नहीं है कोई चीज गुप्त नहीं रखी, कि अगर सदगुरु वैद्य मिल जाए और उनके वचनों पर तुम्हें विश्वास हो जाए और संयम परहेज ये है कि विषय वासनों की इच्छा ना रखो तो ये तुम्हारा काम वो सब कर देंगे। तुम्हें करना कुछ नहीं है, केवल वचनों पर विश्वास रख करके अपनी जगह खड़े रहना। आगे फिर और कह रहे कि ये मानव जीवन को सार्थक कौन बनाएगा, मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा को कौन जगाएगा, परमात्मा से कौन मिलाएगा और सही सच्चे और मुकाम मंडल कौन पहुंचाएगा। ये भी उन्होंने लिखा कि करण है धारे सतगुरु दृढ़नावा और दुर्लभ काज इस सुलभ करी पावा। जिन्होंने अपने मार्ग जीवन अपने मानव जीवन का मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक डायरेक्टर सदगुरु को बनाया है, उनका ये काम सब हो जाएगा। वो मानव जीवन को सार्थक भी बना देंगे और मानव जीवन किसने मिला है वो भी काम करा देंगे। लेकिन जब आप उनको अपना यानी जीवन का आधार बनाओगे, सलाहकार उन्हीं को मार्गदर्शक उनको बनाओगे, उनके द्वारा दिया बताया गया मार्ग उस पर जब चलोगे तब ये काम तुम्हारा सब वो कर देंगे। देखो करने वाला भी बताया कि करने वाला भी तुम्हें मिलेगा और करने वाला आएगा और ये सब काम की आवाज लगाएगा और तुम्हारा काम करके दिखाएगा, तब वो मृत्यु मंडल मंडल से जाएगा, इसके पहले नहीं जाएगा। देखो ये सब भेद है लेकिन वही बात है, तुम्हारे में मतभेद है तो तुम इस अभेद को कैसे समझो, ये अभेद वचन है महापुरुषों के और तुम्हारे में मतभेद होगा तो अभेद को तुम कैसे जानो। इसीलिए कहा कि ये सब काम करते रहोगे जानते रहोगे तो धीरे 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 तुम्हारा ये सब काम होने लगेगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल करने वाले पर विश्वास करके वो जो बताए उस पर खड़े रहो, काम हो जाएगा। आगे क्या कह रहे, जब एक एक चीज को आप समझते रहते तो देखो ये सब काम जो भी बिगड़ा कितने युगों का जीवात्माओं को भूला भूला बिछड़ा ये काम आप हमारा बस हो जाए। आगे कह रहे हैं ये किसके द्वारा होगा कि सतगुरु कहे करा तुम साई और मन के कहे चलो मत कोई, कहा सतगुरु जो कहे वो करो, अब अपने मन मुताबिक मनमुखी बन के मत चलना तो काम हो जाएगा। अगर मनमुखी बने रहे और सतगुरु के यहाँ केवल बैठे रहे और वचनों को माना नहीं विश्वास किया नहीं तो बैठने से काम नहीं होगा। आगे कह रहे ये भाव में गोते दिलवा में और सतगुरु से बेमुख करवा में, ये मनमुखी क्या करेंगे भवसागर में बार बार गोती लगवाएंगे और सदगुरु से तुमको विमुख अलग कर देंगे, इनका ये काम होगा, ये है काल जीवों की पहचान। आगे क्या कह रहे कि काल चक्र में डाल घुमावे और मोह जाल में ये बहुत ही फसावे। कहते बाल जो काल का चक्र है कर्मों का विधान, इसी में कर्म करा करके बार बार हमें आप 484,00,000 नरकों की योनियों में घुमाते रहेंगे यानी जन्म मरण के चक्कर में पहुंचाते रहेंगे। और कहते मोह जाल में बहुत फंसाए, मोह ममता पैदा कर देंगे और तुम्हें फंसा देंगे। आगे कह रहे कि मित्र न जानो
इपहरी पूरा और गुरु भक्ति से इडारे दूरा। ये क्या करेंगे मनमुखी कि मतलब इनको मित्र बन जाना। बड़ी अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें अपने लोभ लालच मान सम्मान के लिए सुनाएंगे। का इनके चक्कर में मत आना, इनको मित्र नहीं पूरा बैरी समझना, पूरा दुश्मन जानना, क्योंकि ये गुरु भक्ति से तुमको दूर ले जाएगा। अपने वचन अपनी भक्ति अपने मान सम्मान के लिए दूसरों की निंदा आलोचना बुराई करेगा, अपने अपने को सच्चा ठहराने के लिए। आगे क्या कह रहे कि दारा सुत संपत्ति परिवार और डारे काम क्रोध की धारा। का ये मनमुखी क्या करेंगे कि मतलब पत्नी दारा माने पत्नी, सुत माने बेटा, संपत्ति और परिवार में खुद जकड़े रहेंगे और तुमको भी जकड़ के रखेंगे। और ये काम क्रोध लोभ मोह की धारा में तुमको फंसा देंगे, न निकलेंगे न निकलने देंगे। ऐसे काल के जीवों से होशियार रहने के लिए देखो कैसी सीख दे रहे, एक एक वचन एकदम स्पष्ट कहते हैं। और इन इनका काम मनमुखियों का क्या है कि इंद्रिय भोग बास भरमा में और भक्ति विवेक नाश करवा में। और ये क्या करेंगे इंद्रिय भोग वासनाओं में तुमको उसी तरफ ले जाएंगे और घुमाएंगे और कहते भक्ति विवेक और ज्ञान का समस्त नाश करा देंगे। जो गुरु वचनों से गुरु की भक्ति विश्वास करके नाम की कमाई करके तुम्हारी बुद्धि में विवेक ज्ञान कुछ भक्ति का रस आया उसको नाश करा देंगे। आगे ये क्या करेंगे कि सत्य गुरु प्रीतम मिले न जब तक और कभी न छूटे मन के कौतुक। कहा वो सतगुरु प्रीतम तो जो पिया सच्चा प्रीतम है हम सब जीवात्माओं का मालिक, कहते कि उससे भी आपको दूर भगाएगा और कभी न छूटे मन के कौतुक। उनके मन का ये कौतुक ये कोलाहल निंदा आलोचना बुराई ये कभी छूटेगा नहीं और तुमको भी उसी में फंसा करके तुम्हारा भी नहीं छुटकारा दिलाएगा। आगे ये क्या कहेंगे क्या क्या करेंगे कि ताते सतगुरु खोजो निज को और जिन सतगुरु कोई करे न मन को। कहते तुम्हारे मन को बस में और कोई नहीं कर सकता, केवल सतगुरु ही करेगा, नहीं तो मनमुखी बने रहोगे। जब तक सतगुरु हमारे आपके मन को अपनी तरफ मोड़ेंगे नहीं अपने वचनों में जोड़ेंगे नहीं तब तक हमारा ये काम कोई कर ही नहीं सकता। आगे समझा के क्या कह रहे हैं एक एक चीज को कैसे कह रहे हैं देखो कि मेरा भाग्य उदय हुआ भारी और सतगुरु की मैं भई अति प्यारी। कहा जब मेरा भाग्य उदय हुआ सतगुरु के शरण में पहुंचे तब मेरा भाग्य उदय हुआ क्योंकि उन्होंने शरण में ले लिया, अब हम बुराई से निश्चित दूर हो जाएंगे, मन का कौतुक खत्म हो जाएगा, मन की चाह इच्छा भोग और वासना ये धीरे धीरे वो सब खत्म कर देंगे। का सूरत जीवात्मा कह रही अब मेरा भाग उदय हुआ। देखो कैसे किस तरह से कि जगत जीव कहा जाने महिमा और वेद कहते वो नहीं जाने शरणा। कहते कि ये वेद और पुराण भी संतों की महिमा को नहीं जानता, वो भी नहीं जानते और वो भी तुमको संतों की शरण में मजबूती नहीं दिला सकते। ये सब बाधक ही तो है जिनको हम अज्ञानता भूल भ्रम में साधक मान रहे थे, सहयोगी मान रहे थे, चार वेद छह सात अठारह पुराण, कहते ये भी तो बाधक है, ये भी इसी संसार की रहनी गहनी में फंसा रखे। राज मिले पाठ मिले धन मिले दौलत मिले औरत मिले बच्चे मिले पति मिले बस यही तक इनकी सीमा है। तभी तो क्या कह रहे कि ज्ञानी जोगी
सब थक हारे का ज्ञानी जोगी सब हार गए। बेचारे तमाम तरह का जोग लगाया और उससे भोग ही मिला। जोग से भोग पाए योग नहीं पाए, क्योंकि वो जोग भोग के लिए ही सीखा था। अगर कोई नाम योगी और शब्द भेदी और नाम भेदी को सब सदगुरु मिल जाता और नाम के योग से योग माने जोड़ देता हमारी आपकी जीवात्मा को, तो जीवात्मा अपने घर पहुंच जाती। कहा ये सब विचारी ज्ञानी जोगी सब थक हारे और सदगुरु महिमा का होने जाने। सदगुरु की महिमा को ये भी नहीं जान पाए। इनको भी ये मतलब यानी शारीरिक साधना कितनी कठिन, योग कर डालो, अष्टांग योग, ये सब सांख्य योग, मीमांसा योग और त्रिण योग, ये जितने भी योग है ये शरीर इंद्रियों तक सीमित है, जीवात्मा का काम इनके द्वारा भी नहीं हो सकता। कैसा भेद खोल रहे कि ताते सतगुरु शरण पुकारो आरती उनकी निशति निकालो। इसलिए सतगुरु की शरण में पहुंचो और अपनी गुहार और पुकार यानी आरती और पूजा और वंदना प्रार्थना सब उनके शरण में जाकर उनके कदमों में करो अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए। आगे क्या कह रहे कि आरती करूं प्रेम से जब ही और सुत परिवार तरे मेरा तब ही। जब प्रेम प्यार मोहब्बत श्रद्धा सेवा भाव से जब आरती करोगे, आरत सत्य दीन सत्य दीन पुकार को आरत कहती है, वही आरती। तब कहते कुल परवा ये सब का कल्याण हो जाएगा। कितना बड़ा लाभ है सदगुरु की आरती का। उनके सामने उनके कदमों में चरणों में जा करके और प्रार्थना वंदना अर्चना आत्मा के लिए, ये आत्मा के लिए, आत्मा से विरह, विरह आत्मा से और कैसे। आंसू तो बहुत निकाले हमने आपने इन आंखों से, लेकिन विरह का आंसू नहीं निकला। अगर विरह का आंसू निकल जाता तो सब काम ही हो जाता। कि आरत विधि अब करूं सिंगारा और सतगुरु मेरे हुए सहाय। देखो सहायक हो गए हमें, आप हमारे बन गए और हमारे हमदर्दी बन गए और हमको शरण में ले लिया और अपना लिया और नामदान दे दिया। कब? जब हम विधि विधान से आरती करेंगे। किसके लिए? आत्मा के दुख दर्द को दूर करेंगे, मन की मनोती, मन की मुराद, ख्वाहिश तमन्ना, उमंगे तरंगे पूरा करने के लिए नहीं आरती करते। आगे क्या रहे कि सत्य गुरु पूरे परम दयाल और कर आरती मन हुआ निहाल। का जब सतगुरु पूरे हमारे पर दयावान कृपावान मेहरबान हो गए और तब कहते तब हमारी आरती करना सार्थक। ये हमारे आरत शब्द दीन पुकार और दीन शब्द कहा कि मेरा निहाल कर दिया यानी मेरा उद्धार कर दिया। देखो किस तरह से ये मनमुखी गुरुमुखी की ये पहचान। अब आपको निर्णय लेना चाहिए कि मनमुखी के पास जाओगे तो हमारा नुकसान के सिवा कोई लाभ नहीं, किसी तरह का लाभ नहीं दे सकता मनमुखी। और गुरुमुखी लाभ ही लाभ दे देगा, क्योंकि जिसने गुरु के तरफ अपना मुख कर रखा है गुरु के वचनों को सुनने के लिए और वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए और एक एक वचन को जीवन का आधार बनाकर चलने के लिए, वो सफलता को प्राप्त करता है गुरुमुखी। और मनमुखी असफलता में रहता है। ये सब जानकारी देखो किस तरह से महापुरुषों ने हम सब गुरुमुखी लोगों के लिए रखा। अब ये पहचान करो कि अभी हम गुरुमुखी हैं कि मनमुखी। हमारा जीवन रुख अभी मन की तरफ है कि गुरु की तरफ हो गया, कितना मन की कितना गुरु की तरफ। जब परसेंटेज निकालोगे तब तुम लाभ ही समझ जाओगे कि हमारा परसेंटेज कम है इसीलिए हमको लाभ कम मिल रहा। गुरु की तरफ हमारा यानी रुझाव और झुकाव तो बिल्कुल अभी नहीं हो पाया।
कभी कभी दो चार मिनट के लिए भले, और बाकी हम ये मन के तरफ ही चलते रहते, उसी की सलाह मानते रहते, उसी की मुराद इच्छाओं को पूरा करते रहते, तो हम अभी मनमुखी गुरुमुखी का हो। अरे गुरुमुखी हो जाओगे उसी दिन का शुरू हो जाएगा। तो हमें आपको मनमुखी बनना, जब इन यानी गुरुमुखी, जब इन मनमुखियों के वचन सुनते रहोगे, इनकी निंदा, इनकी बुराई, इनकी त्रुटियां कमियां, तो फिर ये तो गंदगी है, और गंदगी में कोई चीज स्वीकार नहीं होती, कोई पूजा नहीं स्वीकार, गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। आप लोग खड़े हो जाओ, देखो कितनी देर होती खड़े होने, खड़े होने का मतलब अभी गुरु के वचनों को पकड़ के हम खड़े नहीं हो पाए, वचनों को समझ ही नहीं पाए। जब समझोगे नहीं तो खड़े कैसे हो, और खड़े नहीं होगे तो चलोगे कैसे, और चलोगे नहीं जब तक तो पहुंचोगे कैसे। खड़े होने का मतलब पहले समझो, और बैठो तब साधना की, वो भी गुरु आदेश। हमारा हर काम गुरु आदेश में होना चाहिए, और मन के आदेश, मन के मुताबिक, तो फिर कुछ नहीं होगा, पूरा जीवन निकल जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अच्छाई सच्चाई को पकड़ो। ये स्वभाव साधक का सच्चा स्वभाव क्या है, साधक ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव और सार सार को गहले और थोथा दे बढ़ाए। शुभ जैसा स्वभाव कि गंदगी को हटाए, छोड़ता जाए, और अच्छाई को सच्चाई को पकड़ता जाए, तभी तो आप साधक बन पाओगे। नहीं तो ये सब बाधक का काम, ये साधना में सब बाधा डालेंगे, निंदा आलोचना बुराई जब करते रहोगे और भाव बन जाएगा, जब कभी बैठोगे तो मन तुम्हारा उसी तरफ जाएगा। क्यों, ये मन जो दिन भर करता साधना के वक्त उसी वही फिगर तुमको दिखाता। इसलिए अपना दिन दिनचर्या सदगुर के वचनों से प्रारंभ करो, ताकि साधना के वक्त हमारा मन सदगुर की ही तरफ रहे, हमारा मुख गुरु की तरफ रहे, इधर उधर न जाए। लेकिन जब निंदा आलोचना बुराई में समय बिताओगे तो वो भजन कभी नहीं कर सकता, वो भजन नहीं करता। भजन करने वाला कभी किसी की गंदगी नहीं बटोरता, उसे मालूम है कि दूसरे की गंदगी बटोरी निकालते रहेंगे तो हम उसके पाप के कर्मों को धो रहे हैं, हम अपना कौन सा बना रहे हैं। तो इसीलिए तो गुरुमुख और मनमुख ये दोनों पहले समझना चाहिए। जब सत्संगों में आओगे, अपनी गुरुमुखता, अपनी मनमुखता तब समझ में आएगी कि हम अभी मनमुखी हैं कि गुरुमुखी हैं। और जब समझ में आ जाएगा तभी आपका काम शुरू हो जाएगा। जब तक नहीं समझोगे ऐसे तो कितने लोग बेचारे चलेंगे। अगर लोगों ने समझा होता तो ये 45 करोड़ का प्रमाण है, जो गुरु शरण में आए ये सब मनमुखी गुरुमुखी तो कोई नहीं निकला। अगर गुरुमुखी होता तो गुरु में रहता, गुरु के वचनों में रहता, गुरु की दया में रहता, गुरु की शरण और चरण में रहता। ये तो सब भाग गए, सब भाग गए, कोई नहीं टिका। पता चल गया अरे ये मनमुखी है तो इनकी बात सुनोगे तो धारण करना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोले जय गुरुदेव, सब मिल बोले जय गुरुदेव, बोलना होगा अभी से बोले दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे,
सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता जय गुरुदेव। सबके मालिक जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। अब आपकी समझ में आया ये काम जय गुरुदेव प्रभु नाम का, और ये काम किसी नाम से नहीं होगा। जो परिवर्तन की बात बताई गई, कलयुग जाएगा सतयुग आएगा, ये केवल जय गुरुदेव प्रभु नाम ही कर सकता है, ये दूसरे किसी के वश का नहीं है। तो हमें आपको समय के समृद्ध दयालु के द्वारा जगाए नाम को मजबूती के साथ पकड़ कर रखना चाहिए, और हम कोई काम करें तो नाम को आगे रखें तो हमारा काम सफल होगा। तुम नाम को पीछे करते हो, अपने को आगे करते हो, तभी तो तुम असफल हो जाते हो, तभी आप फेल हो जाते हो। नाम को आगे करो। नाम लेत भवसिंधु सुखाई, जिस नाम के लेने से भवसागर सुख जाओ, वो कौन सा नाम। करो विचार सुजन मनमाई, ऐ सज्जनो तुम मन में विचार करो इस कलयुग में वो कौन सा नाम जिसके लेने से सादा भवसागर, भगवान दुख तकलीफ आपत मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दैविक को दुर्घटना अकाल मौत जैसी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, वो नाम कौन सा। उसी नाम पर हमें विचार करना चाहिए। भाव कुभाव अलखा रसहू और नाम जपति मंगल दी दसो। भाव कुभाव किसी में भी, जैसे जहर को चाहे पैर छुके खाओ चाहे गाली दे के खाओ, लेकिन जहर अपना काम करे, तुम्हारे पैर छूने पर दया नहीं करेगा और गाली देने पर विरोध नहीं मानेगा, वो तो अपना काम करेगा। इस तरह ये नाम किसी स्थित परिस्थित में लिया जाए लेकिन वो काम करेगा। अब ये है तुम्हारी श्रद्धा और सेवा और भाव और विश्वास देखा जाता, बिना विश्वास के नाम भी नहीं काम करता। जैसे कहा भाई झंडे की परिक्रमा का, तो झंडा थोड़ी काम करेगा, बांस नहीं काम, उसमें लिखा क्या है जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये प्रभु का नाम काम करेगा, काम तो उसके उस नाम के द्वारा होगा। तो मतलब तो अब लोगों ने किया, 8 वर्ष मैंने हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये प्रभु नाम की महिमा लोगों को बताई, और कहा इसकी परीक्षा कर लो कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है कि नहीं, और ये मालिक मौजूद है कि नहीं, क्योंकि मुर्दा तो काम नहीं करेगा, काम जिंदा करेगा। तो मैंने कहा अगर गुरु महाराज जीवित नहीं तो ये काम कौन कर रहा, झंडे से कौन करा रहा, ये तो प्रमाण पक्का लोगों को दिया गया। और ऐसे नहीं 8 बरस पूरा हो जहां कार्यक्रम झंडा वहां पहले कर, मैं तो बाद में जा। अब लोगों ने कहना शुरू किया, अरे वो तांत्रिक बाबा है, तांत्रिक है, वो तंत्र के द्वारा ये सब करवाते हैं। अरे भाई कहा मैं तो कभी जाता भी नहीं झंडे के पास, और झंडा 2 दिन पहले करता है, मैं बाद में वहां पहुंचता हूं। ये सब भ्रामक प्रचार क्यों करते हो, तुम नाम की महिमा को समझते नहीं, तुम मेरा नहीं, तुम गुरु के जगाए नाम का विरोध करते हो, तुम महिमा नहीं जानते, तुम गुरु का विरोध करते हो। क्यों, मैं कोई अपने वचन तो सुनाता नहीं, अपने मान सम्मान के लिए कुछ कहता नहीं हूं, अपना लोभ लालच आगे रखता नहीं हूं, तो फिर ये तुम मेरा विरोध क्या, तुम तो गुरु का सीधा विरोध कर रहे हो, गुरु के वचनों का विरोध करते हो, गुरु की सच्चाई जो उन्होंने वादे किए तुम उसका विरोध करते हो, और जय गुरुदेव जगाए नाम का विरोध करते हो, तुम्हारे जैसा विरोधी कौन है। तो ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। मैं तो पहले से सुना रहा, ये तो बाद में निंदा आलोचना शुरू की इन्होंने, 8 बरस कोई नहीं बोला और 3 बरस कोई मेरा साथ नहीं दिया। जब मैं निकला तो कोई नहीं, सब डरे थे, एकदम घरों में चुपके बैठे थे, अब सब बहादुर हो गए। बहादुरी काहे की, हमारी निंदा आलोचना बुराई की, तो 3 साल तुम कहां छिपे रहे, तब तुम्हारे अंदर गुरु भक्ति नहीं थी, गुरु में श्रद्धा सेवा भाव नहीं था, और गुरु को अपना और गुरु का मान सम्मान सब भूल गए थे। अब ये निंदा आलोचना बुराई करके गुरु के मान सम्मान को प्रदर्शित कर रहे हो, ये प्रदर्शन है तुम्हारा, ये भी तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। 3 बरस में ऐसे दौड़ता रहा, कभी 4 लोग कभी 6 लोग कभी 10 लोग जुड़े, वो भी हट गए, थोड़ा बहुत लाभ मिला हट गए। जब देखा इनके साथ
चलने में कोई लाभ नहीं। लोग इनकी इनको गाली देते हैं, इनकी निंदा रचना बुराई करते हैं, इनको डराते धमकाते, तुम्हारे गोली मार दी जाएगी, बम डाल दिया जाएगा, तुमको जेल में उठा के बंद कर दिया जाएगा। तो हमने कहा भाई कोई धारा लगाई जाएगी, अरे कोई गुनाह पाप तो हमारा देखोगे तब तो, ये तुम्हारे कहने से सब हो जाएगा। मैं बराबर अपने गुरु में पक्का विश्वास रखने वाला, अपने मालिक में बिल्कुल पूरा विश्वास रखने वाला, मैंने किसी की बात नहीं सुनी। लगा रहा धीरे 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 सबकी बातें सुनते और देखते सब अपने काम में लगा रहा। मैं से लोग कह रहे थे आपकी बड़ी निंदा हो रही, हमने कहा हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमको अपने काम से फुर्सत नहीं, हम वो कैसे सुने उनका, जो उनकी समझ में आ रहा वो कह रहे हैं और उनकी समझ इतनी ही है तो वो उतना कर रहे। अरे भाई जितनी समझ उतना तो करे क्यों, या जिनके पास जो होगा वही देंगे और दूसरा सामान तो दे नहीं सकते। मैं बराबर लगा रहा, जब लोगों ने ये देख लिया, ठोक बजा लिया, इन पर गोली नहीं, इनको मारी जा रही, इनको जेल में बंद नहीं किया जा रहा, तब धीरे 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 लोगों ने लगना शुरू किया। वो भी आए तो लोभ लालच के लिए, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया, कोई नहीं कहता हिंदुस्तान में कह नहीं सकता मैंने किसी से कुछ लिया, कोई रुपया पैसा, कोई अमन समन कुछ नहीं। लेकिन जब प्रेमियों ने अपनी श्रद्धा सेवा भाव दिखाया कि नहीं नहीं हमारा भी कुछ लगा दीजिए इसमें, मेरे पास समय नहीं कि घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़कर या खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके मैं आपके साथ प्रचार में लगूं, कब मेरे पास समय नहीं। हमने चलो अगर ऐसी तुम्हारी कोई आस्था श्रद्धा विश्वास है तो मेरे पास आपकी दी हुई गाड़ी है, इसी में तेल डाल के मैं हॉर्न कर दूंगा, सारे हिंदुस्तान में तुम्हारी सेवा का तेल डाल करके अमन कर दूंगा और गुरु की हकीकत का पर्दाफाश कर दूंगा। मैंने वो काम किया और सबने जाना, अगर ये काम न किया होता तो जरूर कुछ न कुछ टीका टिप्पणी जरूर सुनी, किसी ने कुछ तो कहा होता। और ये मीडिया और पत्रकार तो चुप नहीं बैठे, ये भी कोई ना कोई निकालते, लेकिन 8 वर्ष में कोई चर्चा नहीं। इसका मतलब सबने समझ लिया ये सच्चाई है, तभी तो लोगों ने नहीं कुछ कहा। 8 वर्ष के बाद जब ये जो चुपके घरों में घुसे रहे, एकदम चूड़ी और साड़ी पहन लिया, गुरु के लिए आवाज नहीं खोल पाए, निकाल नहीं पाए, अब इनको जब कुछ नहीं मिला मौका तो निंदा रचना बुराई में जुट गए, अब ये सब वही कर रहे। हमने कहा तब तुम्हारी माधुरी कहां चली गई, तब तुम गुरु भक्त नहीं थे, गुरु की मर्यादा गुरु की गौरव गरिमा तुम्हारे सामने नहीं, जिस गुरु को लोगों ने बदनाम कर दिया और मौत का कलंक लगा दिया, इससे बड़ा कोई कलंक नहीं, मौत से बढ़कर कोई सजा नहीं, जब लोगों ने मौत की सजा दी थी तब तुम कहां थी, तुम्हारी माधुरी तुम्हारी बुद्धिमानी तुम्हारी सोच कहां चली गई थी। और ये सब मेरे पास आए, कोई 2 साल रहा कोई 3 साल रहा, तब कहते हम पहचान नहीं पाए, अब हम पहचान गए उनके पास कुछ नहीं है। देखिए पहले 3-3, 4-4 साल रहे और खाए और पिए, और जब देखा कि हमारे अनुसार यहाँ कोई योजना नहीं बनाई जा रही, हमारी यहाँ चलता नहीं, मैंने पहले कह दिया कि मथुरा की कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं जाएगी, अगर ऐसा विचार किसी के अंदर हो तो वो चला जाए। हम सम्मान के साथ कहते वो भाई जहां वो 2 लोग हैं वो योजना बना रहे वहां लाभ मिला आप ले लीजिए जाके, लेकिन मेरे पास ये नहीं है कि मैं जब खुद ही नहीं लेता हूं तो आपको कैसे दूं। थोड़ा बहुत लाभ लिया और कुछ थोड़ा बहुत मिला तो चुरा छिपा लिया और बच गई छोड़ के चले गए। तुमने भाई कहां जाओगे, फिर तुमको घूम के आना पड़ेगा, जहां जा रहे हो वहां खराबी ही खराबी, जो पहले देख रहे हो कि निंदा आलोचना बुराई के सिवा उनके पास कोई अच्छी चीज है ही नहीं, अच्छी बात बताते नहीं। अरे आपको कहना चाहिए चलो निंदा बुराई तुम यही तुम ढूंढ पाए हो, 8 साल में जो उन्होंने मन से संदेश प्रसारित किया वो तो तुमने कभी बताया नहीं, अरे भाई कुछ अच्छी बात भी तो बताओ, सब खराबी खराबी। और तुम उनके साथ जब हमारे साथ तुम जुड़े नहीं, हमारे साथ रहे नहीं, हमारी रहनी कहनी तुमने देखी नहीं, किसी ने स्वार्थ लोभ लालच उसका हल नहीं हुआ, तो
तो बना चुना कि कुछ कह दिया तुम उसी को सत्य मान बैठे। अगर ये मैंने किया होता तो यहां नहीं बैठा होता। ये भी आप विचार कीजिए, क्योंकि आप सबको मालूम है मैं एक रोटी खाता। जब लोगों ने कहा नहीं आप चार चार पांच पांच घंटे बोलते हो, एक रोटी और ले लिया, शरीर कमजोर हो जाएगा, तो आपकी सलाह मान के मैं दो रोटी लेता, एक दोपहर एक शाम। ये बताओ एक चार घंटे बोलना और डेढ़ घंटे योगा करना, ये कौन करेगा? ये किसी की बस की बात है? ये कर सकते हो आप? अगर शरीर में शक्ति संचय नहीं है तो ये काम कोई नहीं कर सकता। ओ दुनिया भर का ब्लेम, जो नहीं कहना चाहिए इनको कहने में शर्म नहीं लगती, वो भी सब ये कह रहे हैं। तुम्हें माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो गई, ये तुम्हारे अंदर भाव, तुम्हारे परिवार में माँ बहन बेटी नहीं रहती, उनके बीच तुम नहीं रहते हो, क्या उनके बीच रहना ये सब तुम्हारे लिए खराबी दिखाई दे रहा? ये सब यही कह रहे, कुछ नहीं इनके पास इसके सिवा कुछ है नहीं। तो हमने कहा भाई मेरे पास तो समय नहीं है कि मैं तुम्हारी गंदगी को सुनूं और कुछ कहूं। तमाम प्रश्न किए गए तो मैंने कभी कभी डांट भी देता हूं। डांटने मतलब हमारा कोई विरोध नहीं है, मैं कोई दुश्मन का भाव रह के नहीं डांटता हूं। ये डांटता हूं कि जब तुम कुछ जानते नहीं हो तो ऐसे प्रश्नों में क्यों उलझे पड़े हो? तुम कक्षा एक में बैठे हो और चार पांच की बात पूछते, ये प्राइमरी में बैठा जूनियर इंटर की बात मेरे से प्रश्न करता है। मैंने जो आठ वर्ष सुनाया वो नहीं तुमने सुना? अगर वो सुन लो तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। और मैं वैसे तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तो रोज ही दे रहा हूं, लेकिन तुम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो केवल पूछना है, जानना नहीं। अगर जानोगे नहीं तो बता दूंगा, फिर भी नहीं जान पाओगे। मैं तो रोज ही कह रहा हूं और आठ वर्ष मैंने सबके प्रश्नों का जवाब दे दिया, जो जो तुम्हारे अंदर है वो भी मैंने खोल दिया। कहा तुम ये करना चाहते हो और ये तुमने किया और किस लिए किया वो भी मैंने बताया। एकमात्र स्वास्थ्य स्वार्थ और कुछ नहीं। और तुमने किया तो तुम कहां थे? पांच लोगों ने ये नाटक कर डाला तब ये निंदा बुराई करने वाले कहां सो रहे थे? तब इनमें बुद्धि नहीं थी, इनमें बर्ताव कर शक्ति कुछ नहीं थी। और आज भी ये उनके बारे में नहीं कह सकते, वहां इनको डर लगता कि अगर कह दूंगा तो मारपीट हो जाएगी। लेकिन जानते हैं यहां तो ये कुछ होता नहीं, यहां तो सम्मान के सिवा मैंने न सीखा है और न मैंने कोई किया है। मैंने सम्मान मुझे सिखाया गया, गुरु ने सम्मान करना सिखाया और मैंने सम्मान करके दिखाया। कोई पुलिस का कर्मचारी अधिकारी या किसी विभाग का कोई हो, मैंने सम्मान ही किया, अपमान नहीं किया। मेरा ये काम ही नहीं है, मैं सम्मान करता रहूंगा क्योंकि गुरु का आदेश है। अगर किसी को झुकाना तो सम्मान से झुकाओ, अपमान से नहीं। अपमान करोगे तुम भी तो ऐसे होगे, फिर तुम कैसे समझाओगे? अगर समझाना है और झुकाना है तो सम्मान के द्वारा, अपमान से कुछ नहीं। तो आपको तो क्योंकि अपमान से क्रोध होता, जब अपमान किसी को होगा उसको क्रोध आएगा, वो तुम्हारी बात सुनेगा कि तो समझेगा या समझने का प्रयास करेगा, वो तो बदले की भावना रखेगा। मैं ये काम नहीं करता, मैं पहले कभी नाच सुनता तो मैं सब क्यों, क्योंकि ये सब एक तरफ से पैसा खर्च खर्च करके ये सब निकाल रहे हैं। तुमने जो मैं रोज बोल रहा हूं ये क्यों निकाले? जो मैं रोज बोल रहा हूं क्या ये लोग नहीं सुन रहे? अरे सब सुन रहे और तुम्हारा भी निकाला देख रहे और मेरा रोज का संदेश भी सुन रहे। जब मैं कोई ऐसी बात कहता नहीं हूं तो करूंगा कैसे? जो कहूंगा, अरे जो किया वही तो कहूंगा, और किया नहीं तो कैसे कहूंगा? अब आपको पता चल गया कि मैंने आठ वर्ष क्या किया और वही कहा, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा और कभी कहता भी नहीं। जय गुरुदेव, गुरुदेव। मैंने आठ वर्ष प्रार्थना की गुरु परिवार के प्रेमियों से कि अगर गुरु परिवार के सच्चे प्रेमी हो तो अपना गुरु परिवार बिखर गया है, भटक गया है, लोगों ने स्वार्थ लोभ लालच में भटका दिया है। हमारा सबका परम कर्तव्य है, क्योंकि बाबा जी ने कहा था बच्चा मैंने ये बगीचा बड़ी मेहनत परिश्रम संघर्ष यात्राएं संघर्ष उठा के लगाया है,
तुम्हारा सबका परम कर्तव्य है मेरे इस बगीचे का एक पेड़ न सूखने देना न हटने देना। क्या आप इस सारी को समझ पाए हो? एक पेड़ को कहा था हटने मत देना, अलग मत होने देना, और एक पेड़ तो छोड़ दो, करोड़ों को अलग कर दिया तुमने। क्या गुरु आदेश मांगे गया? गुरु आदेश की महिमा गौरव गरिमा आपने समझी है? चुपचाप बैठे घरों में केवल आलोचना कर रहे हो, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, तुम आलोचना कर रहे हो कि अभी आप निकलिए। जो मैं गुरु परिवार को संगठित कर रहा हूं, आप मेरा सहयोग कर दीजिए और ये काम हो जाए। इसके बाद बहुत समय मिलेगा निंदा आलोचना बुराई खूब कर लेना, खूब लिख लेना, प्रसारित कर देना, लेकिन अभी समय सहयोग देने का। आप सहयोग दे दीजिए, गुरु परिवार संगठित हो जाए, क्योंकि ये बाबा जी ने महिमा कितनी बड़ी बताई, लेकिन हम सब लोग भूल गए गुरु वचनों को। कहा था मैंने 45 करोड़ का जमघट, ये जन समर्थन हिंदुस्तान में तैयार कर दिया बच्चा, ये किसी राजनीति नेता पार्टी के पास नहीं और किसी धार्मिक मिशन के पास नहीं, और वो भी खराब लोगों में से, शराबी कबाबी चोर डकैत कतलियों इन्हीं में से गंदगी हटाकर इनको मैंने सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा किया, इनको माला पकड़ा दी, अब ये भजन करने लगे, साधु बना दिया। क्या ये काम कोई सृष्टि में कभी किया है? रामकृष्ण का इतिहास पढ़ते हो, उन्होंने साधु नहीं बनाया, मार काट खलियान किया, मारा काटा लेकिन सुधार नहीं पाए। ये मारना काटना ये संहार सुधार नहीं है। तो समझाना और साधु बनाना, सच्चे सही रास्ते पर मोड़ के खड़ा कर देना, ये सुधार है। इसीलिए तो सदगुरु दयाल को देर लगी, क्यों साधु बना रहे, साधु बनाने में देर लगेगी, मार काटने कितनी देर लगती भाई, किसी डकैत को चोरी मार दो, गोली मार दो, छुरी मार दो, तो क्या ये सुधार है? क्या इससे जरा कम हो जाएगा? क्या संख्या डकैतों की कम हो जाएगी? कितना आपने किया, कितने काउंटर किए, कितने को मरवा दिया, लेकिन ये जरान तो नहीं बंद हुआ और बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, यानी तुम्हारा ये काम सुधार की तरफ नहीं है, रिएक्शन हो रहा, परिणाम खराब हो रहा। मारना काटना हमारे भारत देश का सुधार का सिद्धांत नहीं है। यहाँ ऋषि मुनियों ने साधु बनाया, सिखा पढ़ाकर सही सच्चे रास्ते पर चलाकर साधु बना दिया। तो आपको तो साधु बनना बनाना चाहिए, एक निंदा आलोचना बुराई करके तुम खुद ही नहीं साधु बन पाए, दूसरों को क्या बनाओगे? तुम्हारे पास साधुता नहीं आ पाई, सच्चे भाव विचार नहीं बन पाए, तो तुम दूसरों को क्या बनाओ? क्या निंदा आलोचना बुराई करके किसी को साधु बना दो, किसी को भक्त बना दोगे, किसी को सच्चाई के मार्ग पर खड़ा रखकर सच्चे रास्ते पर चला दोगे आप? ये तो विचार करना ही चाहिए था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव, नाम किसका प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी बनी सेवा में चलो, जो सेवा मिल जाए, जब सेवा करते रहोगे तो मन में गरुड़ गुमान घमंड नहीं आएगा। सेवा बहुत बड़ा अस्त्र है गरुड़ गुमान घमंड अहंकार को दूर करने के लिए। सेवा एक सच्चा अस्त्र शस्त्र है जो संत महापुरुषों ने समय से इशारा करके तैयार किया और हमें आपको सेवा में लगाया। अगर सेवा न करते होते तो यहां कैसे आते आप? और सेवा से ये सब काम दिखाई दे रहा जो लोगों ने सेवा की। मैंने तो किसी से नहीं मांगा कोई रुपया पैसा कोई सामान, 8 बरस में कोई कहते, मैं 8 बरस घूमता रहा हिंदुस्तान में, कार्यक्रम करता रहा, लेकिन मैंने किसी से रुपया पैसा सामान नहीं मांगा। ये काम नहीं, क्योंकि परिवर्तन रुपये पैसे धनदौलत से नहीं होगा, परिवर्तन सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी और चरित्रवान साकारी सदाचारी ब्रह्मचारियों से ये धार्मिक धरा पर परिवर्तन हुआ और होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। अब आप न बन पाओ सच्चे अच्छे चरित्रवान तो हम उसके लिए क्या करें? गुरु ने तो संदेश सबको, हमको कोई अकेले थोड़ी सुनाया, सबको सुनाया, और मैं उन्हीं का सुनाया आपको सुना रहा हूं, कोई अपना नहीं, उन्हीं का।
क्योंकि आदेश दिया कि बच्चा जब तक देश में अच्छी व्यवस्था नहीं आ जाती, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी नहीं मिल जाती, महंगाई गरीबी बेरोजगारी नहीं खत्म हो जाती, टैक्सों की भरमार नहीं समाप्त हो जाती है, चोरी डकैती कर बल बलात्कार नहीं समाप्त हो जाता है, और ये राम की धार्मिक भूमि और कृष्ण की कर्म भूमि है और संतों की योग भूमि है, इस पर से जब तक ये जीवों की हिंसा हत्या और उनका मुर्दा मांस खाना और बुद्धि नशे में शराब पीना, जिसके पी लेने से बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहु की पहचान खत्म हो जाती, जब तक ये सब समाप्त नहीं हो जाता तब तक मेरा जनहितकारी आप कल्याणकारी संदेश ये जन जन के कान तक सुनाते ही रहना। मैं आज भी उसी का पालन कर रहा हूं, मैं पालन कर रहा हूं, मैं सदगुरु के वचनों का प्रचार करता हूं, तो मेरा प्रचार करते हो इससे क्या मिलेगा, और मैंने जो प्रचार किया सब जानते, तुमको बताने की जरूरत तुम कितना जोर लगा लो, मैंने 8 बरस जो संदेश दिया वो सब सुन के बैठे हुए, अगर उसमें कोई त्रुटि कमी की होती या अपना कोई बनावटी शब्द जोड़ा होता या अपने लोभ लालच मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात की होती तो कोई टिकरा टिप्पणी जरूर हुई होती, लेकिन मैं ऐसा काम करूंगा क्यों, मैं ये काम क्यों करूंगा, मुझे जो आदेश हुक्म है मैं उसका पालन करता हूं, और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी पालन करो, आपको समय का लाभ मिल जाए, क्योंकि अभी कलयुग का इतिहास नहीं बना, इतिहास बनने जा रहा, आप लोग भागीदार हो जाओ अच्छा रहेगा, मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं और क्या कर सकता, जो हमारा आपका इतिहास बनाने आए तुम उन्हीं को उन्हीं की आलोचना करते, उन्हीं का प्रचार करते हो कि मर के चले गए कभी नहीं आएंगे, ये प्रचार कर रहे हो तो बताओ ये इतिहास कौन बनाएगा, कलयुग का इतिहास तो बना नहीं है, इसलिए बाबा जी ने परिचय दिया कि कई लोग भूल भरम में न पड़ जाएं, शंका संदेह में ना जाए, या लोभी लालची स्वार्थी लोग इनको बहका भरमा न दे, इसलिए उन्होंने कहा मैं परिवर्तन करने ही आया हूं और परिवर्तन करके ही जाऊंगा, कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है न मेरा एक काम कोई कर सकता, तो फिर आपको शंका कहां रह गई कि मेरा काम कोई कर भी नहीं सकता तो आप दूसरे के सारे कैसे हो गए, जब आदेश हुक्म हो गया कि कोई करने वाला है नहीं, ये काम कोई नहीं कर सकता, मेरा काम मैं ही करूंगा और अपना काम करके जाऊंगा, और जब तक मेरा काम नहीं हो जाएगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं, फिर आप शंका में कैसे चलेंगे, इतनी बात तो आपको समझनी चाहिए थी, मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं कहा, जब मैं मन से 8 बरस कहता रहा ना मैं स्वामी जी बनता ना गुरु जी बनता ना संत महात्मा फकीर बनता, अरे हमें बनने की क्या जरूरत, हमें जो आदेश मिला है मैं उसका पालन कर रहा हूं, बने वो जिसको यहां हमेशा रहना हो, जब ये कह रहे भाई सबको चलना है सबको ये छोड़ना है तो यहां बन के क्या करोगे आप, और जिनको आपने बनाया जो दिल्ली लखनऊ भेजा वो क्या कर रहे हैं, बनाने वालों की बात देखो जिनको बनाया आपने बनाया और बन के बैठ गए, लेकिन आपका काम कोई बनाया अभी तक, तुमने कितना चुनाव किया, चुनाव पर चुनाव चुनाव पर चुनाव सारा देश चुन गया, तुमने जिनको चुना उन्होंने तुम्हारे हित का कोई काम चुना आज तक, फिर चुनाव का मतलब क्या हो, एक पंचवर्षीय चुनाव 70 अरब रुपए खर्च होता, ये तो धन बेकार ही चला गया, कोई काम नहीं आया उसके, तो इतना तो विचार आपको रखना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, देखो सच्चाई कभी छुप नहीं सकती, कोई लाल धूल मिट्टी डाले कितनी आलोचना बुराई करो, लेकिन जो मैंने सच्चाई मन से प्रसारित की 8 वर्ष वो लोग भूल नहीं सकते, अब कुछ मन चले जीव पहले भी थे, क्योंकि स्वार्थी लोभी लालचियों को चिंता है कि अगर ये सब सही हो जाएगा तो हमारा स्वार्थ लोभ लालच वाली दुकानें बंद हो जाएंगी, तो क्या तुम सतगुरु दरबार में स्वार्थ लोभ लालच के लिए गए थे कि परमार्थ के लिए गए थे, किस काम के लिए गए थे, अपनी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए गए थे
किए कि उनका आश्रम और जमीन और रुपए पैसे धन दौलत लेने छीनने के लिए गए थे? किस काम के लिए गए? आपका लक्ष्य क्या था? इस पर भी तो विचार करो। और ये तुम्हारा ही था, तुम्हारे लोगों ने तुम्हारा ही छीना, क्योंकि ये प्रेमियों का, एक का तो नहीं सबका। लोगों ने कहा मथुरा नहीं जाओगे? मैं भाई मथुरा हमारा घर है क्या? उनके घर में भी पूछ के जाया जाता। अरे भाई अपने घर में अपना गुरुद्वारा है क्या? वहां भी पूछ के जाया जाएगा। हाँ लेकिन समय होगा तो वहां भी जाया जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है। मैंने तो कोई मथुरा का मंदिर का विरोध नहीं, ये लोग हमसे कह रहे कि विरोध करते, मैंने तो कभी नहीं कहा। मैंने ये जरूर कहा कि बाबा जी ने ये कहा कि तुम सब लोग ये प्रचार करो कि मंदिर का जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है। ये क्या है? ये है सब किसके लिए? जो मौजूद है बैठा उसके लिए। और इन लोगों ने बात में कह दिया कि देवता मर गया चला गया तो भी बरकत कौन बांटेगा, बरकत कौन देगा? ये हमने कहा जब आप ये प्रचार करते हो वो जीता जागता देवता जो बरकत बांट रहा वो चला गया तो फिर ये बरकत वहां देगा कौन? ये मैंने कहा। और भविष्यवाणी तो अगर पूरी तुम पढ़ लो जो 70 से प्रारंभ होगी, कहा था बच्चा संत महात्मा जिस जमीन को छोड़ देते हैं उस जमीन पर जाने से कोई लाभ न मिलेगा न कोई दे सकता, लाभ उनके पास है देने वाले के पास। ये मैंने जरूर कहा, जो मैंने कहा हो तो मैं अभी कह रहा हूं और अभी कहता रहूंगा। मैं अपने बच्चों से मुकरने वाला नहीं हूं। और तुम जोड़ गांठ करके यानी कुछ भी कहो वो तुम्हारी बात है। मेरा संदेश सबने सुना 8 वर्ष, 8 साल जिसने सुना पूरे हिंदुस्तान में, उसको कैसे तुम भरमा दोगे? कहते भरका दो, तुमने तो अभी 4 दिन से निंदा उलझना बुलाई शुरू की, इसके पहले कहां थे? तब देश में नहीं थे, तब गुरु की महिमा तुम्हारे अंदर नहीं थी और गुरु का सम्मान तुम्हारे अंदर नहीं था। अब कहते हो कि गुरु का सम्मान है, हम सम्मान को कभी मिटने नहीं देंगे। अरे तुमने मिटा दिया और जिसने मिटाया उनके बारे में तुमने जवान नहीं खोली, इतना डर गए तुम। तब मैं अकेले निकला, तब मैं नहीं डरा, तुम तो डरे रहे हो। अब ये डरपोक के हमारी निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े, ये करो ये करो। अपने कहा तुम्हारा ये कुछ नहीं चलेगा, मैंने 8 वर्ष जो कहा वो भी सब जानते, सब समझते। और ऐसे नहीं कहा, परमिशन लेके कहा, सरकार से परमिशन, ऐसे नहीं। ये मैंने फाइल बना के रखी कि बात में कोई निंदा आलोचना बुराई कि मैं जगह नहीं रखूंगा। मैंने पहले परमिशन लिया तब कर, अगर परमिशन नहीं मिला तो मैं मंच पर भी नहीं गया, बोलना तो बहुत दूर रहा, इतना नियम का पक्का पालन करने वाला। अभी आप क्या समझो, और समय का कितना पाबंद सभी जानते हिंदुस्तान में कि मैं समय के मंच पर समय से 15-20 मिनट पहले पहुंचता, पहले टाइम का पंचवर। जो समय की कीमत जानता है वो सबकी कीमत जानता है, क्योंकि समय ही सब कुछ, टाइम इज ट्रुथ और टाइम इज मनी, समय ही सत्य है और समय ही धन है। तो अगर सत्य और धन दो ही चीजें तुम्हें मुख्य और तुम दोनों चीजें नहीं जानते हो, तुम्हारा समय नहीं, तब तुम्हारा समय कहने का कहां चला गया जब कहने की जरूरत थी? तब सब छिपे रहे, अंदर बैठे रहे, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं पकड़ न लिए जाए, कहीं मार न दिए जाए, इतना डर। अब निंदा आलोचना बुराई में कोई डर, एकदम निकल पाए साहब टिड्डी दल की तरह से, अब एकदम। तुमने कहा यही सीखा, गुरु ने यही सिखाया, गुरु की ये मर्यादा, उनके वचनों का प्रसारण जो हो रहा उसमें और उत्पन्न करना, ये कौन सी तुम्हारी गुरु भक्ति है भाई? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ऐसे तो तुम्हारा कहना गुरु को झूठा बनाना है। अभी कलयुग गया नहीं, सतयुग आया नहीं, और कलयुग क्या है? गंदगी, कर्मों की गंदगी, यानी मतलब इंद्रियों से गंदे काम करना, गंदा खान पान करना, जवान से गंदे अपशब्द
बद्दे यानी शब्दों को बोलना, निंदा आलोचना बुराई, ये कलयुग तो है और क्या है, ये कलयुग का सामान है और ये इकट्ठा किए तुम्हें सुनाया जा रहा और तुम ये नहीं सोच पा रहे हो कलयुगी है कि सतयुगी, ये गुरुमुखी है कि मनमुखी है, इतना तो आपको जानकारी लेनी ही चाहिए। और मेरा संदेश अभी जा रहा, अभी तो लोग सुन रहे, ऐसा नहीं है सब सुन रहे, क्योंकि अब कहीं हो नहीं रहा, अब तो सबका ध्यान एकमात्र ध्येय है, कहीं नहीं हो रहा, सब बंद। तब भी लोगों को सोचना चाहिए कि आखिरकार वहां क्यों हो रहा, जो तुम निंदा आलोचना बुराई करते हो, अगर झूठ होता तो ये बंद हो जाता, अगर सच्चाई नहीं होती और लोभ लालच और मान सम्मान की कोई स्वार्थ की भावना होती तो परमात्मा का संदेश कोई नहीं सुनता, ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं सुबह भी बोलता हूँ, शाम को वहां भी बोलता हूँ, दोनों वक्त संदेश होता है और दोनों वक्त ये भेजा जा रहा था, तो इसको तो कोई नहीं समझ रहा, वो अपनी बात वो सुनाना चाहते हैं। तुमने कहा भाई तब तुम कहाँ गए थे जब सुनाने की जरूरत थी, उस समय कोई नहीं निकला, इतना डर इनको हो गया, अब इतने बहादुर हो गए कि साहब निंदा आलोचना बुराई में जुट गए, इसके पहले कहां गए थे, और मेरे पास ये सब आए, सब आए, मैंने तो नहीं दिया, गुरु दया से हुआ, लेकिन जब तुम आए हो तभी तुम्हारे काम बने, तो गुरु दया से, जय गुरुदेव नाम से ही काम बनता, कोई हमारे नाम से नहीं काम बनता, तो मैंने अपने नाम का प्रचार किया भी नहीं, अगर अपने नाम का प्रचार करने लगू कहेंगे अभी तक तो ये गुरुदेव नाम का प्रचार कर, अपने नाम का प्रचार कर रहे, तो मेरा ये काम नहीं, मैं अपना परिचय मुझको जानता भी कोई नहीं, मैं अपना कभी परिचय मैंने दिया नहीं, और हमको अपने परिचय की जरूरत भी नहीं, और धीरे धीरे हमारा परिचय सभी जान जाएंगे, सब जान जाएंगे, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, काम और नाम का परिचय दे देता है, अगर काम सिद्ध न हुआ तो नाम झूठा हो जाएगा, इसलिए मैं अपना कोई परिचय, अपने मान सम्मान, अपने गांव घर का मैं कोई परिचय देता नहीं हूं, क्योंकि मैं परिचय गुरु के वचनों का देने के लिए खड़ा हुआ, ये बीच में मैं कैसे शामिल कर लूं उसको, और उसकी जरूरत भी नहीं, उससे क्या लाभ लोगों को मिले, मैं अपना परिचय सुना उससे क्या लाभ आपको मिले, और जानते सब है, जब जानते हैं तो बार बार उसकी जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है मैं वो परिचय दे रहा हूं, वो काम कर रहा हूं, उसी से हमारा और आप सबका भला होगा, जिससे सबका भला हो वो परिचय देना चाहिए, मैं अपने नाम का, अपने जिले का, माँ बाप का, ये परिचय क्या है, अरे तो सभी जानते हैं जब शरीर आया तो कहीं ना कहीं तो पैदा हुआ हो, कोई माँ बाप ही रहे होंगे, कोई परिवार और जाति रही होगी, ये तो आप जानते ही हो, तो इसको बताने की क्या जरूरत, इसे क्या जरूरत, अब तो जो असली काम है वो परिचय आपको दिया जा रहा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने इशारा करके कहा, गोस्वामी वहां न रहिए जहां जन्म को ठाऊ, ये भली बुरी जाने नहीं ले पुरानू न, इनको भलाई तो मालूम नहीं कि भलाई का कार्य कितने आगे चला गया, सच्चाई का काम कितने आगे बढ़ गया, ये बस वही पुरानी, ये नाम था, ये गांव था, ये था, ये था वो, अरे भाई इससे क्या मिलना, ये गांव नाम से क्या मिलना, काम से काम होना है, बात काम की करो, नाम और गांव की बात मत करो, उससे कोई लाभ नहीं होगा, पैदा तो कहीं ना कहीं होगा है, वह है, अब वो किस लिए पैदा हुआ ये भी आप नहीं जानते, किस लिए, किस काम के लिए, किस काम को करने के लिए पैदा हुआ, यह आपको कहां मालूम, केवल निंदा आलोचना बुराई से फुर्सत मिले तुम्हें तब तो कुछ आगे बढ़ो, कुछ आगे सोच सकते हो, लेकिन जिनकी सीमा इतनी है वो सीमा के दायरे में अंदर भी रह रहा। जय गुरुदेव, गुरुदेव। अब ये प्रेमी समय समय पर अपना कुछ मनाने लगते, मैं तो कुछ नहीं कहता हूं कि मेरा कोई पर्व है, मेरा कोई जन्मदिन बनाओ, मेरी कोई मसूरी करो, मेरा कोई प्रचार करो, ये कुछ नहीं। अब जिसको कुछ दिखाई दे रहा, कुछ सुनाई दे रहा, कुछ लाभ मिला, एहसास हो रहा, वो तो कुछ ना कुछ करेगा, किसी की आस्था को तुम कैसे मिट सकते हो,
हाँ कुछ मैं मन से कहूँ तब तो आप उसको नोट करो कि आप ये कह रहे हो, आप ये बन रहे हो, गुरु बन रहे हो, जय गुरुदेव बन रहे हो, बाबा जी बन रहे हो, ये सब क्या है? ये सब निरर्थक बातें हैं। ये कोई बन सकता है? ये कोई बनने बनाने का विषय है? नहीं, बहुत बन जाते और जो बने उनका परिणाम देखा था, तेल का दरवाजा देखा, ऐसा काम कौन करेगा? इतना मतलब यानी घटिया काम कौन करेगा? जय गुरुदेव, गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी अपनी सेवाओं में, तुम्हें कुछ निकालने की जरूरत नहीं, मैं इतना खुद ही कर दूंगा, मैं सब कह दूंगा, बता दूंगा, आपको निकालना कुछ नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा निकाला समझ नहीं पाएंगे, उल्टा सिद्धार्थ लगाएंगे तो काम का क्रोध की जलन जल्दी लगेगी, फायदा कुछ नहीं। तो हमको वो कहेंगे जिसकी जरूरत है, और जिसकी जरूरत नहीं उसको मैं कहेंगे नहीं, क्यों कहूं भाई, क्या जरूरत है? और जो काम है, जब काम हो जाएगा तो पहचान सब हो जाएगी, कौन क्या है, क्यों आया, क्या काम किया, किस काम का आदेश सुनको था, तो मतलब काम तो काम ही है और आदेश तो सबको, हम एक अकेले थोड़ी है, तुम भी तो 45 करोड़ हो, क्यों नहीं निकले, क्यों नहीं बाहर खड़े हुए जब गुरु पर इतना बड़ा कलंक लग गया कि मर गए, चल के चले गए, झूठ बोल के झूठे वादे हो गए, इस पर तो आपको शर्म नहीं लगी कि हमारे गुरु का अपमान हो रहा? क्या मौत से बढ़ के कोई सजा वो भी लोगों ने सुना थी, और उस पर भी तुम मान रहे, कुछ नहीं बोले, और मैंने कहना शुरू किया तो कितने पीछे पड़ गए, देखिए आप, हिम्मत किसी की नहीं थी उस समय निकलने की, कोई नहीं निकला, मैं निकला केवल इस पर कि गुरु सच्चा है और 3 लोग बहना है, जो सच्चे गुरु पर कुर्बान है उसका 3 लोग तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये बात आप नहीं समझ पाए। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान, तादास को 3 लोग फैलाए, कई भय नहीं उसको, तो आप इस बात को क्यों नहीं समझते हो? अगर कोई डर भय होता तो मैं तुम्हारी तरह मैं भी चुप्पी साध के बैठ जाता, क्यों निकला मैं? अब धीरे धीरे इनको ईर्ष्या हो रही है, यही पहले निकले इनका नाम हो जाएगा, तुमने कहा ये भी इस काम के लिए मैंने निकला जो तुम सोच रहे, मैं नाम के लिए नहीं, मैं तो काम के लिए निकला हूं कि कोई ना कोई तो गुरु की सच्चाई कहने वाला होना चाहिए, क्योंकि अगर संत बचनों को छिपाएगा, संत का तो ही कहलाएगा, गुरु बचनों को छिपाने वाला गुरु का तो ही कहलाएगा, जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का तो ही कहलाएगा। ये मैं बराबर 8 वर्ष कहता रहा, बताता रहा, क्या तुमको सुनाई नहीं दिया था कि हम गुरु के द्रोही क्यों बने, संत के द्रोही क्यों बने, धर्म के द्रोही क्यों बने? तो आपको समय से निकल पड़ना चाहिए था, कोई नहीं निकला, सब मर्यादा खत्म, किसी के पास गुरु की मर्यादा नहीं और बचनों की सत्यता नहीं, और गुरु की जबान और वाणी और वादों की सत्यता किसी के पास नहीं रही, अब तो अब सब दौड़े घूम रहे। अरे अब तुम्हारे दौड़ने से क्या होता, जो मैंने संदेश दे रखा 8 वर्ष वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा? उसके आगे तुम्हें तो नतमस्तक होना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय तुम कहाँ थे? अब लोग पूछने लगेंगे, भाई तब तुम कहाँ थे? जिसने कहा और जो खड़ा हुआ उसी की आज निंदा बुराई कर रहे हो, और तुमको उनका कोई काम नहीं दिखाई दिया? मैंने तो उनका काम भी देखा है और उनका संदेश भी सुना है, उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, कोई लोभ लालच रखा नहीं, फिर ये तुम कहां से कह रहे हो? केवल ईर्ष्यावश कि मैंने कुछ कर पाया, ये कैसे कर लेंगे? अरे भाई कोई ना तो कोई करने वाला होना ही होगा, ऐसा नहीं है, संत बीज बिन से नहीं, संत बीज बिन से नहीं, आ पड़े जो झोल और कंचन निर्मिष्टा गिरे घटे न ताको, का संत का बीज कभी निर्बीज नहीं होता है, कहीं ना कहीं से अपना संदेश की शुरुआत जरूर ही करा देते हैं। अब आप ये मालूम आपको कि संदेश तो मनुष्य बोल पर से ही होगा, कोई पशु पक्षी के शरीर से थोड़ी संदेश होगा, मनुष्य बोल पर से होगा, और कहा वो पुल वो मेरा ही पुल है, क्या कहा था, सब घट भीतर साइया सुनी सेजन खोए, वह घट धन सराय हो जा घट प्रकट हो, कहा सब घट में मेरा अंश है, मेरी जीवात्मा है, लेकिन वो घट धन है जिस घट से मेरी सत्यता मेरे सत्य वचनों का प्रसारण होता है, वो घट मेरा ही घट। फिर आप ये क्यों कह रहे हो गुरु बन रहे हो, सदगुरु बन रहे हो, ये बन रहे हो, वो बन रहे हो, सब झूठा प्रचार, सब झूठा प्रचार।
अगर मैंने ऐसा कोई बनने का विचार और प्रचार किया होता तो 8 साल मेरी बात कोई नहीं सुना, सब विरोधी विरोध में खड़े हो जाते, कोई नहीं निकला। जो थे विरोध में वो भी जान रहे थे ये सत्य कह रहे हैं, मैंने गलत किया है, अब ये सत्य कह रहे हैं, वो भी मेरे सामने नहीं आए। मैंने ये भी कहा अगर भाई हमको चाहो जहां चाहो बुला लो या आप हमारे पास आ जाओ, ये परिवार का की समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि कितनी मेहनत से ये परिवार की खड़ा किया, मैं उस मेहनत में शामिल हूं, क्योंकि आप तो लोग बात भी नाम ना नहीं। मैंने लोगों से पूछा लगभग तुम लोग सभी जो इस समय उछल कूद कर रहे हैं, ये सब 80 में जब दूरदर्शी बनी तो दूरदर्शी देखकर सब भागे थे कि चलो इसमें भी एमपी मेले बनने का मौका मिल जाएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने का इतना जनमत है 45 करोड़ का, जिसको चाहे उसको प्रधानमंत्री बना लेगी मुख्यमंत्री बना लेगी, ये देखकर सब भरते भरते। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा था कि दूरदर्शी नहीं राजनीति, ये राजनीति नहीं है, 4 आने व्यवस्था है और 12 आने अध्यात्म है, फिर भी आप नहीं समझ पाए। और दूरदर्शी का ऐलान प्रचार 18 बरस, तब तुम कहां चले गए थे, तुमने प्रचार भी किया और तुमने कहा भी, अब तुम्हारा कहा झूठा हो रहा, और भारत की जनता पूछने वाली है कि तुमने जो जो कहा सब झूठा है, यानी इसका मतलब तू झूठा तेरा गुरु भी झूठा, तो ये गुरु पर कलंक तो लगेगा, अपमान होगा, गौरव गरिमा खत्म की जा रही, ये कौन से सही होगी, जरा विचार कीजिए। आप भी परमात्मा ने बुद्धि दी है अच्छे सच्चे काम के परीक्षण के लिए, अगर इस परीक्षण यंत्र का प्रयोग ना किया तो इसकी भी सजा आपको मिलेगी, क्योंकि आपने बुद्धि नहीं लिया। जय गुरुदेव। और दूरदर्शी के बारे में पहले ही कह दिया गया ताकि किसी को शंका ना हो कि दूरदर्शी आएगी तो हमारा कोई काम करेगी कि नहीं करेगी, जनहितकार समाज हितकार देश हितकार क्या क्या करेगी, तो बहुत पहले ही बता दिया कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग लाएगी, दूरदर्शी का ऐलान स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 बीघा देंगे खेत, और दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। इतना बड़ा सम्मान भारत देश का विश्व का गुरु होगा, और तुमने गुरु महाराज की व्यवस्था का एकदम निरादर कर दिया, कोई आपने कुछ नहीं कहा, जमान बंद कर दी। तुमको तो अगर विश्वास होता अपने गुरु पर तो तुम चुप बैठते, जरूर कहते क्यों नहीं कहा, उस समय डर था, इतना डर लग, अरे सच्चाई कहने में डर, तुम गुरु भक्त कैसे, लोग तो गुरु के लिए कुर्बान हो गए, गुरु के लिए कुर्बान हो गए, लेकिन सच्चाई को कभी आड़े हाथ रखा और कभी पीछे नहीं होने दिया। इस पर मैं आपको विचार करना चाहिए कि सच्चाई को कितना खोला गया, इतना कोई डंके के चोट पर कह नहीं सकता जिसका मैंने 8 बरस संदेश पंच दे दिया, एकदम खोल करके कहा, खोल करके कहा, बुराई नहीं सच्चाई, सच्चाई कभी आलोचना नहीं होती, और अच्छाई बुराई बताने के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, अच्छाई बुराई समझाने बताने के लिए थाने कचहरी कोर्ट न्यायालय बनाए गए, ये तो संतों का दरबार है, यहां सत्य ही प्रसारण होगा। अब ये है कि सत्य कड़वा किसके लिए, लोभी लालची स्वार्थियों के लिए, मानी अभिमानी गुमानियों के लिए सत्य कड़वा है, और भक्तों के लिए और सेवादारों के लिए भक्त ये सत्य मीठा है, तो ये दो जरूर है भाई। तब सब लोग कहां चले गए थे, तब भी तो मैं ही था हिंदुस्तान में, कोई दूसरा था, और मन से संदेश देता था, मैंने अपनी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया, अपने में कोई परिवर्तन नहीं, इसी वेशभूषा में मैंने 8 वर्ष संदेश दिया है और लोगों ने सुना है, और सुनकर लोग चले तभी तो लोग आए, हमारे पास तो कोई नहीं था, मैं पहले ही बताता हूं, ये जब संदेश लोगों ने सुना और सच्चाई को पकड़ा और गुरुवचनों को याद किया, जब याद आई तब धीरे 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 प्रेमी से उठने लगे, तो देखिए अब तो 10 लाख हो गया है, अब तो इतने हो गए, अब क्या है,
अब तुम्हारी किसी बात का असर होने वाला नहीं, क्योंकि मैंने इतना जनमत ये तैयार किया मेहनत करके। वहां तो पहले ही परिवार खड़ा था सब, वहां किसी ने मेहनत थोड़ी की कि एक आदमी खड़ा किया, वो तो सदगुरु की मेहनत वहां पहले ही थी और उसी का वो अपना भी लाभ उठा रहे हैं। सेवा दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो मैंने सच्चाई जरूर कही, बुराई नहीं कही कि भाई जब मीडिया ने मथुरा में डिक्लेयर किया कि नकली गुरु का आश्री संस्कार, नकली गुरु का आश्री संस्कार 12,500 करोड़ की संपत्ति के लालच में नाटक किया जा रहा, जो शरीर बना के ले आए उसको जलाने का जो समय निश्चित निर्धारित था उससे 2-3 घंटे पहले जला के नामोनिशान क्यों मिटा दिया गया। मैं तो यही कहता हूँ जो मीडिया ने कहा, और एक ऐसे बन गया और बाद में इस पर लोगों ने अपना त्रव्यू किया, कुछ दे ले लिया, ये तो सब काम होता है, लेकिन जो सच्चाई सच्चाई, मैंने सच्चाई के अलावा कहा ही क्या है। अब तुम सच्चाई नहीं समझ पाए, तुम सच्चाई में चल नहीं सकते, तुम्हारी अंदर सच्ची भावना सेवा भाव है ही नहीं, तो तुम तो जो झूठ कहोगे और तुम्हारा झूठ यहां सिद्ध नहीं हुआ। ये भी बात है कि अगर झूठ सिद्ध हो जाता तो सबको लाभ हो जाता, हमने कहा नहीं, झूठ अगर सिद्ध हो जाता सबका नुकसान हो जाता, परमार्थी लाभ से सब वंचित हो जाते, आत्मिक कल्याण सबका खत्म हो जाता। तो हमें आपको तो ये सोचना चाहिए, वास्तविक लाभ तो आत्मा का है। अरे शरीर तो आज कल नहीं रहेगा, ये तो नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर विनाशी है। आत्मा का लाभ हो जाने के बाद ये आत्मा 4,84,00,000 नरकों योनि में आना जाना इसका खत्म हो जाता, सबसे बड़ा लाभ तो ये। और यही लाभ देने के लिए सद्गुरु दया है, किसने लोगों ने जाना, किसने पहचाना है। अब पहचाना नहीं तो कहते ये जय गुरुदेव बन रहे हैं, अपने को सदगुरु कह रहे हैं, ये पता नहीं कहां से सुन लिया। अरे भाई 8 साल जो मैंने कहा है उसमें कभी ये शब्द आया? अगर ऐसा कहा होता तो कौन आता, कोई नहीं आता यहाँ। तो अब ये है कि बात तो बात ही है, अब धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है। और भाई जिसको कहीं से लाभ मिलता है, जिसका काम कहीं से हो रहा है, दया मिल जाए तो उसकी तो आस्था बन जाएगी। जैसे लोगों को पत्थर में आस्था, क्या पत्थर में भगवान है, लेकिन आस्था है, और इतनी मजबूत आस्था कितने युगों से, और अब तक लोग इसको तोड़ नहीं पाए, लेकिन कुदरत को आज फैसला लेना पड़ा कि बेचारे कब तक ये इसमें फंसे रहेंगे, ये जड़ की आस्था में कुछ मिलेगा नहीं, कब तक फंसे रहेंगे, तमाम युग निकल गए। आज कुदरत ने फैसला दिया कि जहां लोग ये आस्था बनाए बैठे कि इस मंदिर में देवता है, इसमें भगवान है, इसमें खुदा है, इसमें सदगुरु है, का इसमें ताले डाल दो। जब ताले लग गए, अब लोगों की समझ आ रहा है कि ताला लग गया क्या है, कोई है ही नहीं क्या है। अरे भाई जब सब लोग घर से बाहर जाते तभी तो ताला लगाते, घर में कोई नहीं, अगर घर में कोई आदमी बंद हो तो ताला लगाओगे, इतना तो सोच हमें होनी चाहिए। तो कुदरत ने दिखा दिया कि भाई देखो यहाँ कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, लोग इस आस्था में बैठे थे कि अब देवी कोई ना कोई इसका विनाश कर देंगी, इसने ताला लगा दिया, देवी जी को बंद कर दिया, देवता को बंद कर दिया, भगवान खुदा को बंद कर दिया, ये लोग सोचते रहे कि कोई ना कोई इनका नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई जिन्होंने ताला लगाया उनको तो जुकाम बुखार तक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उनका, क्यों, सच्चाई है। अब ये सच्चाई जड़ता की खुल गई कि भाई ये जड़ता है, हाँ ये यादगार स्थल है, क्योंकि जब राम थे तब तो मंदिर नहीं बना था, रामायण का मंदिर बना था पहले, या राम नहीं जब तक तो कोई मंदिर बना, जब यहां से काम करके चले गए तो उनके काम का मंदिर बन गया कि हम लोग इनकी यादगार कहां करेंगे बैठकर। ये यादगार स्थल है, इन स्थानों पर ना कभी कोई आया और ना है ना कभी आएगा, यादगार स्थल है कि हम उनको याद करते रहे, आए थे इन्होंने कैसे कैसे काम किए, हम लोगों के लाभ के लिए क्या काम किया, और कितनी कुर्बानी दी, कितनी परेशानी उठाई, और केवल मतलब यानी समाज को सही दिशा देने के लिए। तो आज भी उनकी मैं यादगार करते, ये यादगार स्थल जो नदी के किनारे और बस्ती से दूर बनाए जाते थे, लेकिन अब वो जो संत महापुरुष जानकार से उनसे आपका संबंध टूट गया, अब वो यादगार स्थल तो खत्म, पूजा स्थल आपने बना लिया, और जो पूजा स्थल आपने बना लिया धीरे धीरे आपने उसमें अपनी आस्था जोड़ने लगे, नहीं ये पूजा करने से कुछ हमको दे देगा, कुछ हमको मतलब भला कर देगा, कुछ कल्याण कर देगा, कुछ लाभ करा देगा, ये आस्था आपने अलग से अपनी जोड़ ली,
और लाभ किसी को मिला नहीं, वो तुम्हारे शुभ विचारों में ना संकल्प सिद्ध होता है। अगर अच्छे विचार करके आप कहीं जाओ तो लाभ हो जाएगा, और अच्छे विचार करके ही लोग ऐसे स्थलों पर जाते हैं। ऐसा स्वरूप कोई शराब पी के थोड़ी जाता, कोई मुर्गा मीट खा के नहीं जाता, कोई किसी की निंदा आलोचना बुराई कोई विचार करने वहां नहीं जाता है। जब अच्छा काम करने जाते हो तो अच्छा ही तो वहां मिल ही जाएगी आपको, लेकिन वो अच्छा अच्छी धारा तुम्हारे मन की ही थी, वहां कुछ नहीं था, तुम्हारा संकल्प शुद्ध था तो सिद्ध हो जाता है। कहते भाई काम हो गया, काम हो गया, काम। ऐसे ये सब समझदारी लोगों को जानकारी के रूप में रखनी चाहिए, और जानकारी बने रहेगी तो कोई भी तुमको अज्ञानता में स्वार्थ लोभ लालच में बहका भरमा नहीं सकता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव, नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो, मैं वही आपसे मिलूंगा, वहां संदेश होगा और प्रसाद मिलेगा। देखो दोनों तरफ, इधर सुबह उधर शाम को, दोनों तरफ संदेश हो रहा। अगर हमारे पर किसी निंदा आलोचना बुराई का कोई असर होता तो मैं ये बंद कर देता। अगर डर होता कि हमारी बात सच्ची नहीं है, मैं झूठ कह रहा हूं अपने लोभ लालच के लिए, मान सम्मान के लिए कह रहा हूं, तो मैं चुप हो जाता। लेकिन सत्य तो सत्य, न पहले चुप हुआ ना चुप, क्यों चुप रहने का विषय ही नहीं है ये तो। जितना ज्यादा कि मतलब गुरु प्रेमियों के कान तक सच्चाई की आवाज पहुंच जाए, यही तो सच्चा लाभ है, और इससे बढ़ के कौन सा लाभ। जय गुरुदेव। अब आपके लिए मैं आप सबका वहां दर्शन करूंगा, यहाँ प्रणाम करता हूँ सबको, वहां सबका दर्शन करता हूँ। फिर भी आप नहीं समझ पाए कि ये काम का है, क्या काम हो रहा, ये कोई अपने मान सम्मान निजी स्वार्थ लोभ लालच या कुछ बनने बनाने का काम है, जो सबको प्रणाम करता है सबसे छोटा होता, पहली बात ये। और जो सबका दर्शन करता है वो भी सबसे छोटा, क्योंकि सेवक का दर्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहां सेवा निस्वार्थ कर रहे, यहां जो सेवा कर रहे हो आप में इसमें कोई स्वार्थ है? घर में तो आप परिवार की सेवा में स्वार्थ है, देश की सेवा, समाज की सेवा, इसमें सब स्वार्थ था और आपने कुछ लिया उसके बदले, लेकिन यहां आपका बिल्कुल परमार्थी भाव है, परमार्थी सेवा है। ऐसी परमार्थी सेवा करने वाले प्रेमियों को जो दर्शन करना बड़े भाग्य से होता है, बड़े भाग्य से दर्शन होता है। तो मैं आपको वहां दर्शन करूंगा और आपको प्रसाद दूंगा, और यहाँ आपने वचन सुने इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ, सदगुरु दयाल के वचनों को सुना इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ, और वहां आप परमार्थी सेवा करते हो तो आपको आपका दर्शन करता हूँ। इतनी बात यानी मतलब देखने पर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा काम करने आया हूँ, अपना कोई काम करने या गुरु का काम करने या गुरु के वचनों का प्रसारण यानी जानकारी देने आया हूँ। जय गुरुदेव। गुरुदेव। प्रेमी कितने भाव से सेवा कर रहे, हमारे राजमिस्त्री और ये सेवादार जो मसाला पकड़ाते, देखो इनका परिश्रम देखिए बहन, अथक परिश्रम है। ये आस्था पूरा परिचय दे रही, ये परमार्थी कार्य है, और परमार्थी कार्य के सिवा और कोई इतनी मेहनत अपने काम में भी नहीं करता। जो निजी काम करता है वहां भी इतनी जिम्मेदारी नहीं निभाता जितनी आप निभा रहा। आप चल के देखिए आके तो तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि सच्चाई और हकीकत किसे कहते हैं और क्या है, ये सब आपको जानकारी मिल जाए। और इतने लोग ये जंगल में देख लीजिए, बरसात के समय में, बरसात में चिड़िया भी घोंसला नहीं छोड़ती, देखिए आप, चिड़िया भी अपना घोंसला बरसात में नहीं छोड़ती, अगर टूट गया तो नया बनाती है रहने के लिए, ठहरने के लिए। आज ये सब अपना घोंसला, अपना परिवार, बाल बच्चों को छोड़कर ये जंगल में आए हुए, अगर कुछ मिलता नहीं, कुछ सत्य दिखाई नहीं देता, एहसास नहीं किया होता तो यहां कोई नहीं आता कोई, क्योंकि मैंने बुलाया तो किसी को नहीं, क्योंकि इस समय कुछ सरकार के आदेश है कि
कि भाई भीड़ भाड़ मत करना, लेकिन अभी इतना बड़ा ये परिवार है 45 करोड़ का, अगर एक एक व्यक्ति परिवार से तब भी भीड़ हो जाएगी, लेकिन ये भीड़ वो भीड़ नहीं है जिस भीड़, इस भीड़ में कोई डर नहीं। क्यों? कोई तोड़फोड़ आंदोलन, कोई धरना घेराव, कोई किसी तरह का अपना स्वार्थी कदम ये उठाया नहीं चाहता। और ये आए हैं अपना सत्संग सुन रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, भंडारे भोजन कर रहे हैं, किसी पर कोई लोड नहीं, कोई भार नहीं, और ये किसी शहर में कोई भीड़ भी नहीं करते, सड़क पर ये जाते नहीं, तो कोई आवागमन अवरुद्ध हो या शहरों में भीड़ पड़े या उससे कोई नुकसान या कर्मचारी अधिकारियों की व्यवस्था में कोई बाधा हो, ये तो जंगल में मंगल कर रहे हैं अपना। इसलिए सबका ध्यान इधर है कि भाई वो तो जंगल में अपने परिवार गुरु परिवार में रहकर अपने आपस में बैठ के चर्चा करते, परिवार में सभी बैठ के चर्चा कौन नहीं करता, क्या करना है, कल क्या करना है, कैसे सफलता मिले, कैसे काम पूरा हो, ये तो तैयारी परिवार में बैठकर की जाती, और वही यहां पर हो रहा। कोई काम इधर इस तरह का नहीं जैसे अन्य जगहों पर होता। तमाम लोगों ने शिकायत किया कि हमारा मंदिर बंद, हमारी मस्जिद बंद है, इबादत नहीं कर पा रहे, पूजा नहीं कर पा रहे, और जय गुरुदेव आश्रम सतगुरु धाम यूं क्यों खुला है, तो कर्मचारी अधिकारियों ने साफ कहा कि जो तुम हो वो नहीं है, जो तुम्हारे यहाँ तो चोरी करने वाले, शराब पीने वाले, मुर्गा मीट खाने वाले, विचार विचार करने वाले सभी पूजा करने आते, और वहां केवल शाकाहारी जाते और दूसरे मिशन का नहीं जाता, कोई पूजा पाठ करने वाला भी कोई नहीं जाता, वहां जय गुरुदेव मिशन का ही व्यक्ति वहां जाता, यहां सब नेगेटिव ही पॉजिटिव कोई है ही नहीं। तब तो लोगों को समझ में आ गया, और आप देख भी रहे हो कि यह सब आपके सामने हो रहा है। मैं तो किसी को बुलाता, मैं कोई कार्यक्रम अभी रखा नहीं हूं, यह जरूर कहा था अगर कार्यक्रम रख दिया जाए और ये लोग परमिशन दे दें तो मैं इसी यानी इस मैदान में आदमी से आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा, और आप गिन नहीं पाओगे इतनी भीड़ हो जाएगी, और किसी की व्यवस्था में कोई बाधा नहीं पड़ी, कोई नुकसान राजनीतिक धार्मिक या सामाजिक पारिवारिक कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि इनको अनुशासन सिखाया गया, इनको सेवा प्रेम और दया इनको सिखाया गया है, ऐसे नहीं है। जय गुरुदेव। इतना लॉकडाउन रहा, लगभग 200 प्रेमी हमेशा है, ये भी एक गांव है आपका गुरुदेव नगर सारा, और मैंने कहा कि कोई बाहर नहीं जाएगा, हमारे यहां से कोई बाहर गया नहीं और बाहर का कोई अंदर आया, ये पालन केवल मैं भी 3 महीने कहीं नहीं निकला, आदेश का पूरा पालन 3 महीने लॉकडाउन में कहीं नहीं निकला, जब ये खत्म हुआ तब मैं आश्रम आया। तो जो स्वयं पालन करता है वो अनुशासन भंग कैसे कराएगा, अनुशासनहीनता कैसे सिखाएगा, लोगों के अंदर देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह और समाजद्रोह की भावना कैसे पैदा करेगा, ये आपको समझना चाहिए। सब मैं तो आपके सामने करके दिखा रहा हूं, और जंगल में बस्ती में तो भीड़ सभी लगा सकते, ये जंगल में भीड़ कौन लगाएगा, ये भी आपको देखना चाहिए और समझना चाहिए। और कितने प्रेम प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं महसूस कर रहे, कोई यहाँ मकान तो बने नहीं, सब झोपड़ी, झोपड़ियों में कौन रहता है, ऋषि मुनि रहते, जिनको अपनी चिंता नहीं है, जिनको समाज और देश को अच्छे सच्चे यानी मार्ग पर चलाने की चिंता है, और अच्छे सच्चे समाज का निर्माण हो जाए और माँ बहन बेटी बहुओं की इज्जत आबरू बच जाए, हम तो ये चाहते हैं, और यही हमारा लक्ष्य उद्देश्य है। मैं तो सबका काम कर रहा हूं, ये कोई मेरा अकेला काम, ये देश और समाज में सच्चाई और अच्छाई आ जाए, सब लोग चरित्रमान और सब अपने काम को अपना और पराए काम को पराए समझने लगे, तो चोरी निकेत ये बलात्कार खत्म हो जाए, हमारा पुलिस कर्मचारी अधिकारी ये थाने में और चौकी में कोतवाली में बैठकर वहीं से सुपरविजन करें, इनको रात रात भागने दौड़ने की जरूरत है, ये भी अपने परिवार
बच्चों में बैठकर शांति से रहे, हमारा तो उद्देश्य है। मैं तो सबका काम कर रहा हूँ, मैं आपका भी काम कर रहा हूँ, और आप न समझ पाओ न सहयोग दे पाओ तो बात अलग है। और ये जंगल में आप देख ही रहे हो, सो रहा है। जय गुरुदेव। और ये सोचना चाहिए क्या जंगल में इस तरह कोई आदमी इकट्ठा कर सकता। अरे ये भी तो सोचो कि निंदा आलोचना बुराई के सिवा तुम्हारा दूसरा कोई काम नहीं। ये जरा करके दिखाइए तो पता चल जाए कि तुम करने वाले हो केवल बोलने वाले हो, केवल बोलने वाले, करना कराने किसी कुछ नहीं। क्योंकि करने में संघर्ष, करने में परेशानियां उठानी पड़ती है, ऐसे थोड़ी कोई काम हो जाता। कोई काम की शुरुआत करो कितनी परेशानी है, सफलता पाने के लिए कितना कष्ट संघर्ष उठाना पड़ता है। ये थोड़ी निंदा आलोचना बुराई से क्या सफलता मिल जाएगी, क्या सच्चे अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा, इतना भी आप नहीं समझ पा रहे। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी अपनी सेवा में लग जाओ तो अच्छा रहेगा। मैं आपसे वहीं मिलने आऊंगा, वहीं भी संदेश भी होगा, सांभारा और प्रसाद भी तोड़ होगा, ये दोनों चीजें। देखो अभी लोग चले आ रहे हैं, जिसको जैसा मौका मिला अपना आता है, यहाँ सेवा करता और भजन करता और सत्संग सुनता चला जाता है। ये काम यहाँ हो रहा है, यहाँ उस तरह का कोई काम नहीं। विवाद विवाद निंदा आलोचना ये काम नहीं, यहाँ गंदगी फैलाने वाला काम नहीं होता। और जहां गंदगी फैला रहे उनका वो अपना काम, हमारा अपना काम। हम कैसे कहें कि मतलब यानी वो गलत करें, जब तक उनको गलत नहीं दिखाई देगा, गलत सुनाई नहीं देगा और गलत समझ और गलत परिणाम जब तक नहीं मिलेगा, तब तक ये कैसे समझेंगे हम गलत करें। भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब सच्चे और अच्छे चरित्रवान भक्तों का अपमान होता है तो कुदरत सजा सुना देती है। वो काम कुदरत करती है, वो उसके द्वारा होता है। जय गुरुदेव। अब आप चलिए अपनी अपनी सेवाओं में, मैं आपसे वहीं मिलूंगा, वहीं पर आपसे, क्योंकि शाम को मैंने कहा था जो लोग सुबह जाने वाले हो अभी आप मिल लो, प्रसाद ले लो, चले जाओ। ये बार बार ये काम मत करो, क्योंकि यहां बहुत काम है। कितना कितनी व्यवस्था आप देख रहे हो फैली, उसके बारे में सोचना, उसकी तैयारी करना, और सबका सबके लिए व्यवस्था ठीक हो जाए और सब सुख सुविधा में रहें और भजन करें, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। और सब लोग मिलके करें तो जल्दी हो जाए, अब जब अकेले ही करना तो समय लगेगा। हाँ प्रेमी सहयोग तो अपना कर रहे हैं सब, बगैर सहयोग के हम थोड़ी कुछ कर सकते, ये हमारा अकेले का काम। आप सबके सहयोग का है और सब सहयोग कर रहे हो, आप ही लोग कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल सुपरविजन कि आपने दिया है तो इसका दुरुपयोग ना, एक एक पाई को संभाल के रखता हूं, दुरुपयोग ना हो, और अपने पर कभी खर्च नहीं करता। अपने पर खर्च किया होता तो कुछ नहीं बचता। अगर मैंने अपना पेट भरा होता, अपनी जेब भरी होती, अपना बैंक बैलेंस किया होता, बाल बच्चों परिवार में खर्च किया होता तो एक पैसा नहीं बचता। ये काम कैसे होता इसको देखिए आप, किस तरह से आप काम हुआ है आपके लिए हुआ। मैंने अपने लिए तो कुछ किया नहीं हूं, ना मेरा कहीं कोई नाम है जमीन में, इसमें उसमें, ये काम मैं नहीं करता। ये मेरा लक्ष्य उद्देश्य नहीं है, सबका हो जाए, सबका कल्याण, सबका लाभ हो। अरे काम तो ये है, और व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष अपना लाभ अपना स्वार्थ देखने वाला कभी परमार्थी टिकट पर चल नहीं सकता, और परमार्थ करके सिद्ध भी नहीं कर सकता। जय गुरुदेव। अब आपके लिए मैं आपसे वही मिलूंगा।
इनाम है प्रभु का।